Ms. Nimra? Okay, we're starting with it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is our second class. और हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, लेकिन मैं चैप्टर नंबर वन आप लोग का याद से बिल्कुल दोबारा से स्टार्ट करूँ. लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सिलेबस, पेपर पैटर्न, हाउ टू पास, हाउ टू स्टडी, वो सब चीजें हमने देखी थी. अब जो हम यहाँ पे नेक्स्ट हाफ स्टार्ट करें, वो नेक्स्ट हाफ हमारा होगा जो कि चैप्टर वन से प्रॉपर स्टडी के साथ हम शुरू कर रहे हैं. इसमें हमने एक दो डेफिनेशन जो है वो पहले पढ़ ली थी, इसके अंदर लॉ की डेफिनेशन थी, ELS हमने पढ़ा था, व्हाट इज इंग्लिश लीगल सिस्टम, उस चीज को मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा यहाँ पे मैक्सिमम 5 मिनट्स, ताकि हम प्रॉपर टॉपिक्स की तरफ चले जाएं. एक चीज जरा नोट कर लीजिएगा कि जो स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, इंशाल्लाह ये इसके हैंडआउट आपको मिल जाएगा, तो यू हैव टू प्रिंट इट आउट. अगर आपके पास प्रिंटर की सहूलत है कहीं से प्रिंट करवा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज KNS विल बी प्रोवाइडिंग यू द हार्ड कॉपी. इफ यू आर गुड इनफ विद द सॉफ्ट कॉपी तो ठीक है, लेकिन इफ यू नीड हार्ड कॉपी तो आप अगर प्रिंट करवा लें खुद से तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन विजिट KNS फॉर दैट प्रिंट आउट. दूसरे नंबर पे जनाब एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, जो कि थोड़ा सा मैंने इसमें किया कि आपका जो बुक का सीक्वेंस है और जो बुक के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इसी हैंडआउट की सीक्वेंस में, बुक का सीक्वेंस और हैंडआउट का सीक्वेंस तकरीबन सेम होगा. लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि जो आपके पास बुक है उसका पढ़ना लाजमी है, अभी भी लाजमी है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हैंड आउट को थोड़ा सा रिवाइज करके, रिव्यू करके थोड़ा सा उसको इस तरीके से डिजाइन कर लें कि उसके बाद बुक की अंडरस्टैंडिंग. देखिए दो सूरत है, नंबर वन अपना हैंड आउट अपनी लैंग्वेज इजी लैंग्वेज में बनाओ और फिर जब बच्चा बुक पढ़े तो उसको वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो. दूसरा जो कि हम लोग इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है कि जो हैंड आउट होंगे वो भी उसी लैंग्वेज में होंगे जो बुक लैंग्वेज में, तो आप लोग के लिए लेक्चर सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे की वर्ड्स हैं जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. स्टार्टिंग विद मैं जो शुरू का हाफ है लॉ वाला वो जल्दी से रिपीट कर दूंगा ताकि चीजें क्लियर हो, और उसके बाद फिर आज वाला पॉइंट हम यहाँ पर शुरू करेंगे. हमने स्टार्ट किया था जनाब इंग्लिश लीगल सिस्टम से और इसके अंदर तीन वर्ड्स आ रहे हैं. तीन वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, पहला वर्ड यहां पर है जी सिस्टम, नंबर वन. नंबर टू इज लीगल वर्ड है और तीसरा वर्ड यहां पर इंग्लिश आ रहा है. पहला वर्ड आया जनाब यहां पर सिस्टम. व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम एक निजाम को बोलते हैं. हर चीज दुनिया में किसी निजाम के तहत ही चल रही है, एक सिस्टम के तहत ही चल रही है. सूरज का मशरिक से निकलना, मगरिब में गुरूब होना सिस्टम है. सर्दियों का आना, उसके बाद गर्मियों का आना, मौसम का चेंज होना सिस्टम है. फिर ग्लेशियर से पिघलना, पानी का फ्लो करना, दरिया में आना, दरिया से समंदर में आना सिस्टम है. इसी तरीके से KNS का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक सिस्टम के तहत चल रही है. सेम तरीके से आप लोग के पास जो ACCA आप लोग कर रहे हो उसका प्रॉपर एक सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ट्यूटोरियल्स हैं, उसके बाद आपके पास एग्जामिनेशन प्रोसेस है, CB एग्जाम, मैन एग्जाम एक्सेट्रा, ये सब कुछ एक सिस्टम के तहत चल रहा है. तो अब यहाँ पे किस सिस्टम की बात हो रही है? जहां सेकंड वर्ड आपके पास है लीगल का, यानी हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे नेचुरल सिस्टम जो अल्लाह ताला की तरफ से सिस्टम बनाए गए हैं उनकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज की? लीगल सिस्टम की. लीगल सिस्टम मतलब कि उस ऐसा सिस्टम जिस जो कवर करेगा किसको? लीगल एस्पेक्ट को. लीगल एस्पेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? कि कानून के हिसाब से, कानून के बारे में बातें सारी, वो सारा सिस्टम जो कि कानून के तहत हमारा कानूनी निजाम, हमारा जुडिशियल निजाम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं. और थर्ड वर्ड जो यहाँ पर है दैट इज इंग्लिश. इंग्लिश का वर्ड क्योंकि हम गोरो का कानून पढ़ रहे हैं, नंबर वन. नंबर टू हम जो लॉ पढ़ रहे हैं, F4 का पेपर दे रहे हैं, उसमें हम इंग्लैंड का वेरिएंट, इंग्लिश वेरिएंट पढ़ रहे हैं. तो इंग्लिश वेरिएंट पढ़ने की वजह से हम जो सिस्टम या लॉज या जितनी भी चीजें देखेंगे वो सारी की सारी इंग्लिश यानी इंग्लैंड के हवाले से होंगी. ठीक है जी. तो व्हाट इज इंग्लिश लीगल सिस्टम? ऐसा सिस्टम है जो कि ऑपरेट करता है किस ऑब्जेक्टिव के साथ. अगर कोई सिस्टम बनता है तो कोई सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है. उस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लीगल सिस्टम का ये है कि जनाब आपके पास जो लॉज बनाए गए, कहां लॉज बने? लीगल सिस्टम के मुताबिक जो लॉज बनाए गए उन लॉज को प्रॉपर वे में लोग फॉलो करें. पहला ऑब्जेक्टिव ये कि लोग उन लॉज को फॉलो करें.
क्यों फॉलो करें? दूसरा आंसर ये है ताकि मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कायम रखा जा सके और तमाम तर चीजों को स्मूथली रन किया जा सके, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस इंग्लिश लीगल सिस्टम का वो ये है जनाब कि आपके पास जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, इंडिविजुअल के राइट्स को। जिस तरह जंगल में कानून होता है उसमें माइट इज राइट, जो ताकतवर है वही वहां पे हक पर है। मुल्क जंगल तो शायद ऐसे चल जाए माइट इज राइट के कानून के तहत, पर दुनिया में ममालिक सोसाइटी ऐसे नहीं चलती है। तो वहां पर हमें हर इंडिविजुअल के, चाहे वो जालिम हो, चाहे वो मजलूम हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट दोज पीपल राइट्स। हमें उन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये एक सिस्टम ऐसा बनाया जाएगा जिसके तहत हम इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। अगर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे दोबारा से पढ़ लेता हूँ कि इट इज अ सिस्टम विच ऑपरेट्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर दैट लॉ इज बीइंग फॉलोड। मुल्क में लॉ को फॉलो किया जा रहा है इन सच अ वे दैट सोसाइटी ऑपरेट्स इन अ स्मूथ मैनर, राइट्स ऑफ पीपल आर प्रोटेक्टेड, और जो लोगों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, मैं थोड़ा सा इसको रैपिडली करता हूं कि व्हाट इज लॉ, कानून क्या है। उसमें दो तीन चीजें जो हमने पढ़ी थी उसमें आपकी तरफ से कुछ आंसर्स आए थे जी। इसमें एक आंसर था रूल्स सेट या सेट ऑफ रूल्स, पहला आंसर ये था, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस हम कह सकते हैं जनाब बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, एक और डिफरेंस हम यहां पे कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही। सेट ऑफ रूल्स, सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग हो गया। एक और हम एक जनरल टर्म यूज करें तो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स, हमारे जंगल में जंगल के कानून में सोसाइटी में जो फर्क है, एक जंगल में और एक सोसाइटी में जो फर्क है वो उस लॉ का ही फर्क है कि जो इस एक जगह को हम जंगल और दूसरे जगह को हम सोसाइटी कह रहे हैं, ठीक है जी। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि मैंने आपको बताया भी था कि डेविड कैली साहब जो कि आपके F4 के कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ के एग्जाम के एग्जामिनर है, ACC के एग्जामिनर है, उनकी तरफ से एक डेफिनेशन मिली थी, दैट इज व्हाट कि लॉ इज अ फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। लॉ इज अ फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। अभी सोशल कंट्रोल में दो बातें मैंने लास्ट टाइम बता दी थी, मैं रिपीट कर देता हूं यहाँ पे। नंबर वन वॉज हाउ individual interact, number two how business operates। दो बातें यहां पर आ रही हैं जी। जो law is a formal mechanism, formal mechanism का क्या मतलब है उसको हम थोड़े से literally discuss करते हैं। जो यहाँ पे word use किया गया social control का, तो जनाब social control का मतलब होता है कि दो चीजें, how individual interact, दो लोग आपस में कैसे dealing करते हैं, कैसे इंटरेक्शन करते हैं। नंबर टू हाउ बिजनेस ऑपरेट, एक सिस्टम कैसे चलता है। यहाँ पे बिजनेस का मतलब कारोबार तो है लेकिन लोगों के मामलात कैसे चलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करती है, ये सब चीजें सोशल कंट्रोल में आएंगी। अब इस सोशल कंट्रोल के एस्पेक्ट को अगर एक फ्रेमवर्क की बात करें, फ्रेमवर्क एक पूरा पूरा सिस्टम है, किस चीज का सिस्टम है, जिसमें सोशल कंट्रोल को हम दो एस्पेक्ट्स में देखते हैं। सोशल कंट्रोल मैंने बता दिया कि सोशल कंट्रोल में दो चीजें आती हैं, नंबर वन इज हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट, नंबर टू इज हाउ बिजनेस ऑपरेट्स। जनाब पहली चीज के अंदर क्या है, फॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म, और दूसरी चीज क्या है, इनफॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें दो मैकेनिज्म है, दो सिस्टम है, एक फॉर्मल सिस्टम है और दूसरा कौन सा है, इनफॉर्मल सिस्टम है। इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल में से जो फॉर्मल वाला पार्ट है, फॉर्मल मतलब प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से जो सिस्टम है वो सारा लॉ है, जबकि इनफॉर्मल जो चीज है वो बचती है आपका एथिक्स, आपके कल्चर्स एटसेट्रा। स्टार्टिंग विद फॉर्मल, फॉर्मल के डेफिनेशन के ऊपर हमने पहले बात की, रिपीट करूं खाली यहां पर कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चर। क्या प्रोवाइड कर रहा है जी, स्ट्रक्चर। सोशल कंट्रोल बेटा मैं बताता हूं दोबारा यहाँ पे कि यहाँ पे वर्ड था कि लॉ इज द फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। लॉ एक मैकेनिज्म है जो कि डील करता है किससे, सोशल कंट्रोल से। अब कहा जाए कि सोशल कंट्रोल क्या है, तो सोशल कंट्रोल में दो चीजें आती हैं,
पहली चीज आती है हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर, दो लोग आपस में लेन देन कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से गए और जाके मैंने एक दूध का पैकेट खरीदा, तो एक बायर ने सेलर से चीज कैसे खरीदी, लोगों का आपस में लेन देन किस तरीके से हो रहा है। और दूसरे नंबर पे है जो कि दूसरा ज्यादा बड़ा वाइडर परस्पेक्टिव है कि उसमें हाउ बिजनेस ऑपरेट्स, उसमें लोगों का निजाम कैसे चलता है, सिस्टम कैसे चलता है, कानून के तहत पूरा एक पूरा जो निजाम सिस्टम चला रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जी हमारा केएनएस का बिजनेस कैसे ऑपरेट हो रहा है, हमारे यहाँ दुकान सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कैसे ऑपरेट हो रहा है, पार्टनरशिप का बिजनेस कैसे ऑपरेट हो रहा है, कंपनीज कैसे ऑपरेट करती हैं, लोगों के आपस के रिलेशनशिप कैसे जो है वो ऑपरेट हो रहे होते हैं, ये सब कुछ सोशल कंट्रोल में आ रहा होगा। दो चीजें जो वर्ड आपने याद रखे, सोशल कंट्रोल को अगर हम एक्सप्लेन करें थोड़ा खोलें इसको, तो दो वर्ड्स कौन से आएंगे जनाब, पहला वर्ड था हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट, दूसरा वर्ड क्या है हाउ बिजनेस ऑपरेट। इंडिविजुअल में वन टू वन चीजें ए वर्सेस बी, जबकि बिजनेस ऑपरेट के अंदर एक पूरा निजाम कैसे चल रहा है, एक सिस्टम, एक बिजनेस कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, जिसके अंदर तमाम पर बातें आएंगी, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस की डीलिंग्स, बिजनेस के लॉज, वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। फॉर्मल की बात करें, लॉ की बात करें जनाब, तो ये एक स्ट्रक्चर है किस चीज का, दो बातें, नंबर वन डीलिंग, नंबर टू रिजॉल्विंग, दोनों चीजें इसके अंदर आ रही है। ये लॉ आपको बता रहा है हाउ टू डील, हाउ टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, दो चीजें, डील कैसे करना है, नंबर टू अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो रिजॉल्व कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट का, उस कॉन्ट्रैक्ट की लीगल टर्म्स क्या है, वो सारी कहानी इंशाल्लाह आगे चलकर मैं चैप्टर्स में पढ़नी। एक आसान सी एग्जांपल मैं आपको क्रिएट करता हूं, क्योंकि एक वर्ड है किसका, जी कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसे, कैसे ऑफर एक्सेप्टेंस, दो पार्टीज का मिलना, ऑफर एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट के जरिए आना, ये सब क्या है, ये आपको स्ट्रक्चर बता रहा है कि हाउ यू विल बी डीलिंग विद इट, चीजों को डील कैसे करेंगे। दूसरे नंबर पे फर्ज करें इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई डिस्प्यूट हो गया तो फिर इसके अंदर लॉ दोबारा आएगा और लॉ आके आपको ये बताएगा कि भाई हाउ यू पीपल विल बी रिजॉल्विंग इट। अज्यूमिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं एज अ टीचर, केएनएस से आपका कॉन्ट्रैक्ट है एज अ स्टूडेंट, और हमने आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर एक फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म सबमिट कराओगे, एडमिशन लोगे, तो ये क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिससे मैं आपका टीचर और आप मेरे स्टूडेंट बन गए, जिसके तहत मुझे आपको एक सर्विस प्रोवाइड करनी, जिसके तहत मुझे आपको सिलेबस टेप 4 का पूरा कंप्लीट करके अच्छे से सिखाना है। ये हमारी क्या है, ये हमारी वो स्ट्रक्चर का पार्ट है जो मुझे ये बता रहा है कि हाउ टू डील। दूसरे नंबर पे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो फी डिफॉल्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल एज अ टीचर मैं कोई सब्जेक्ट में डिफॉल्ट करता हूँ, एज अ टीचर फॉर एग्जाम्पल मिड छोड़ के बगैर पढ़ाई चला जाता हूँ, टॉपिक मिस करता हूँ, अज्यूमिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्यूट्स होंगे, सर आपने आधा पढ़ाया नहीं, सर मैंने कहा आपने फीस इतनी पे, इंस्टीट्यूट कह रहे थे आपने फीस इतनी पे नहीं की, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कैसे करना, ये दोनों बातें लॉ में स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। आगे क्या है जी, एज वेल एज प्रोवाइडिंग सम डिटरेंट टू दोस विशिंग टू डिसरप्ट सोशल ऑर्डर, दो वर्ड हैं। पहला क्या कि जी आपके पास लॉ सिर्फ तभी काबिले अमल है, तभी इंप्लीमेंटेबल है, तभी मैं उसको फॉलो करूंगा जब नंबर वन उस चीज के अगेंस्ट कोई ना कोई पनिशमेंट होगी, अगर उसके अगेंस्ट कोई चीज पनिशमेंट नहीं है तो जनाब फिर मैं कभी भी उस लॉ को फॉलो नहीं करूंगा। रेड लाइट पे रुकना लॉ है, लेकिन फर्ज करें कि रेड लाइट पे ना रुकने वाले को कोई फाइन नहीं किया जाता, कोई चालान नहीं काटा जाता, कोई उसको पनिशमेंट नहीं की जाती, तो फिर कभी भी जो है वो कोई भी शख्स रेड लाइट पे कभी भी नहीं रुकेगा। तो बेटा जी अगर आपने इस लॉ को इंप्लीमेंट करना है तो लॉ बनेगा कब, जब उसकी नीड होगी, जब लॉ बन जाएगा तो उसकी इंप्लीमेंटेशन कब होगी, या वो कब सही से अप्लाई, इफेक्टिवली अप्लाई हो पाएगा, जब उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई पनिशमेंट अटैच होगी, सही। तो इसके अंदर ये बताएगा कि लॉ पहले क्या बता रहा है, पहली बात क्या बता रहा है, नंबर वन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, लॉ ऐसा स्ट्रक्चर है, साथ रहिएगा जरा, लॉ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पहले आपको क्या सिखाएगा, फर्स्ट फेज में, फर्स्ट स्टेप में आपको सिखाएगा हाउ टू डील, डील क्या, सोशल कंट्रोल के लिए, हाउ पीपल डील विद ईच अदर, हाउ बिजनेस ऑपरेट, ये डीलिंग वाला पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में अगर उस डीलिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसाइल होती है, कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, तो लॉ ही आपको बताएगा हाउ इट विल बी डेल्ट विद, हाउ इट विल बी रिजॉल्व, ठीक है। आखिरी चीज
क्यों भाई? लॉ ने क्यों किया? इसलिए किया, लॉ ने अपने साथ एक चीज और अटैच की, दैट इज सामने वाले को इस लॉ में डिस्प्यूट्स लाने के लिए रोकना है। वो रोकने के लिए क्या चीज है? पनिशमेंट है। वो रोकने के लिए क्या चीज है? कहीं ना कहीं आपको कोई इबरत का निशान बनाया जाता है। इबरत का निशान फाइन करके, पेनलाइज करके, पनिशमेंट करके, इंप्रिजनमेंट, जेल में डाल के, एक्सेट्रा। क्यों ये सब इतनी कहानी क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है ताकि सोशल ऑर्डर, जो मुआशरे का निजाम है, वो बिल्कुल बगैर डिसरप्शन के चले। डिसरप्शन मतलब उसमें कोई दखल अंदाजी ना हो, कोई खराबी ना हो, कोई इसमें प्रॉब्लम्स ना आए और वो चीज स्मूथली चले। ठीक है जी। तो फॉर्मल मैकेनिज्म में चार वर्ड्स आपने याद रखने। मैं वर्ड्स रिपीट करूंगा, आपने ज़हन में उनका पूरा मतलब जरा ज़हन में लेकर आने। नंबर वन, पहला वर्ड क्या है जी? लॉ इज अ स्ट्रक्चर। फॉर्मल मैकेनिज्म में लॉ इज अ स्ट्रक्चर, पूरा निजाम बना हुआ। ये स्ट्रक्चर में दो बातें बताई जाती है। पहली क्या? हाउ टू डील, कैसे डीलिंग करनी है। नंबर टू क्या बताया जाएगा? हाउ टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, हाउ टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। तीसरा, एक और चीज इसमें अटैच कर दी जाएगी कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पनिशमेंट अटैच हो जाएगी, ताकि लोगों को इसमें डिस्प्यूट्स या खराबियां पैदा करने से रोका जाए। क्यों? इसलिए ताकि मुआशरे में एक निजाम, एक ऑर्डर सही तरीके से चलता रहे। तो ये तो होगी लॉ की बातें। नंबर टू जो बात है वो है जी, इसी सिस्टम के अंदर एक और चीज बन जाती है, दैट इज इनफॉर्मल मैकेनिज्म। और उसके अंदर दो चीजें हैं, एथिकल और मोरल गाइडेंस है। और इसके अंदर जनाब नॉर्म्स एंड बिहेवियर, नॉर्म्स बोलते हैं जो आपके रस्म और रवाज, जो आपका बिहेवियर चल रहा है, एक्सपेक्टेशन दैट सोसाइटी हैज डेवलप ओवर टाइम थ्रू इट्स कल्चर। एग्जाम्पल सुनने की बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल, रेड लाइट पे रुकना लॉ है। कुछ अर्सा पहले मैं दुबई गया और दुबई के अंदर मैंने एक चीज थोड़ी सी देखी वहां पर कि जनाब हमने गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी पे वहां पे क्योंकि ट्रैफिक लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो वहां पे रेड लाइट पे रुकना क्या है? लॉ है। उन्होंने बताया भाई जी कि रेड लाइट पे आप रुकेंगे, आपको रुकना लॉ है। ये हो गया डील, हाउ टू डील। नंबर टू, अगर कोई वहां से क्रॉस कर जाता है तो वो क्या कर रहा है? वो डिस्प्यूट कर रहा है स्टेट के और अपने में डिस्प्यूट आ रहे हैं कि आपको कहा था रेड लाइट पे रुकना और आपने क्रॉस किया, तो ये डिस्प्यूट है। तीसरे नंबर पे पनिशमेंट है। हमारे यहाँ ना वो ट्रैफिक पुलिस पीछे भागना शुरू कर देता है, अगर कोई पकड़ ले तो उसको बेचारे को चालान करते हैं, अदरवाइज दो चार चार सौ कैदन लेकर वो मना कर देते हैं। बट वहां पे ये है कि वो उनका कार्ड लगाते और वो फ्लैश हो जाता है। फ्लैश मतलब कि उसमें आपके चालान के पैसे कट जाते हैं। और थर्ड नंबर ये था कि जी उसमें निजाम बिल्कुल सही चल रहा है। दुबई में जिस हद तक ट्रैफिक है, जितनी फास्ट ट्रैफिक है, जितने जबरदस्त रोड्स हैं, उसके ऊपर जो ट्रैफिकिंग हो रही होती है, तो उसमें ये तमाम चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वाला पार्ट जो मैंने कहानी सुनाई है, ये फॉर्मल मैकेनिज्म है। वहां पर एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की कि जनाब हम लोग कहते होता है ना कि रेड लाइट होती है तो हम तो आराम आराम चलाते चलाते बीच रोड में आए होते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं। वापस ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और आपकी गाड़ी को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे रुकना होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ इंचेस का ज़ेब्रा क्रॉसिंग से भी फासला होना चाहिए। वहां पर एक और चीज है कि जी रेड लाइट होगी गाड़ी रुक जाएगी, ग्रीन लाइट होगी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन वहां पर एक और चीज बहुत अच्छी जो एथिकल इनफॉर्मल मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ कि जनाब वहां पर अगर कोई गाड़ी चलाने वाला भले जितनी मर्जी स्पीड ना हो, अगर और ट्रैफिक सिग्नल भी ग्रीन है, लॉ क्या है? ग्रीन सिग्नल तो भाई क्रॉस करो, आर यू आर अलाउड टू क्रॉस। लेकिन वहां पे जो चीज मैंने एथिकल वाला एलिमेंट में बताना चाह रहा हूँ आपसे कि वहां पर मैंने एक चीज देखी थी कि जनाब अगर गाड़ी वाला आ रहा है, स्पीड में आ रहा है, ग्रीन सिग्नल है, ही इज अलाउड टू गो, ये लॉ वाला पार्ट है। लेकिन उसने देखा कि कोने पे कोई बुजुर्ग शख्स खड़ा हुआ है या कोई बच्चे खड़े हुए एंड दे आर वेटिंग टू क्रॉस द रोड, तो वो बंदा आके अपनी गाड़ी को स्लो कर देता था और ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले स्लो कर लेता था, जैसे वो लोग क्रॉस करते थे उसके बाद वो चल रहे थे। तो ये जो उसका एक्ट है, ये क्या है? ये एथिक्स है। और ये चीज अब वो खाली एक गाड़ी वाले की बात नहीं रही, वहां पे जब हर बंदा ही ये चीज अपने अंदर चीज देखकर अप्लाई करना शुरू कर देगा, तो ये उनके कल्चर का पार्ट बन जाएगा। सही। तो लॉ तक की बात करें तो बुक्स में जो लॉ लिखा हुआ है वो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भाई आपको रेड लाइट पे रुकना है, लेकिन एथिक्स के बीच में आया पार्ट ऑफ कल्चर, उनके बिहेवियर की बात बीच में आई जो कि इनफॉर्मल पार्ट है। उसमें क्या चीज इंक्लूड हो गई जनाब कि अगर कोई इस तरह से कोई बंदा रोड क्रॉस करने के लिए वेट कर रहा होगा, गाड़ी आकर स्लो होती है ताकि वो बंदा वहां पर क्रॉस कर सके। ठीक है, होपफुली जी लॉ की डेफिनेशन, लॉ का फॉर्मल पार्ट और इनफॉर्मल पार्ट क्लियर हो गया। यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, अब हम इसके नेक्स्ट हाफ पे जा रहे हैं और जो नेक्स्ट हाफ है वो है दैट इज
टाइप्स ऑफ लॉस। पर्सनल एथिक्स बेटा इसमें बिल्कुल ऐसे ही है, क्वेश्चन ये है कि इनफॉर्मल रिलेटेड टू पर्सनल एथिक्स, इसमें पर्सनल एथिक्स बिल्कुल है। जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल कोट की उसमें एक गाड़ी वाला आता है रुका ना, लेकिन जब एक ने देखा, दो ने देखा, चार ने देखा, तो वो चीज जब उनको देख देखे उनको चीज का क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो उनके कल्चर का पार्ट बन गया, ऑटोमेटिकली कल्चर का पार्ट बन गया। सही, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर देता हूँ। हम लोग के पास जब एम्बुलेंस कहीं से हॉर्न कर रही होती है, कहीं से अलार्म कर रही होती है, तो हम लोग का एक एक्शन होता है कि हम कोशिश करते हैं रास्ता बनाने, हम कोशिश करते हैं कि एम्बुलेंस को हम रास्ता दे दें ताकि वो जल्दी से क्रॉस कर जाए। तो भाई ये जो कहानी है ना, एम्बुलेंस अगर अलार्म करती आ रही है तो उसको हम रास्ता जो दे रहे होते हैं, वो रास्ता देने वाला एलिमेंट हमारा क्या है, वो हमारा पर्सनल एथिक्स, मेरा आपका थर्ड का फोर्थ का, और ये मिलकर हम लोग का कल्चर डेवलप हो गया। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और गाड़ी में पीछे से एम्बुलेंस जो है हॉर्न कर रही है, हॉर्न पे हॉर्न कर रही है, मेरा जो ड्राइवर है उसने गाड़ी को साइड पे करना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा यार तुम गाड़ी साइड पे क्यों कर रहे हो, उसने कहा सर अलार्म कर रही है, जो हॉर्न कर रही है एम्बुलेंस को, मैं उसको रास्ता दे रहा हूँ। मैंने उससे क्वेश्चन किया, मैंने क्वेश्चन ये किया क्या इस हॉर्न करती हुई एम्बुलेंस को रास्ता देना लॉ है, उसने कहा नहीं सर लॉ नहीं है लेकिन ये एथिक्स है। ये क्या है जनाब, एथिक्स है। सही, तो इसमें इनफॉर्मल वाला पार्ट आ गया, जो हमने उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया वो इनफॉर्मल वाला पार्ट है और वो हमारे कल्चर का पार्ट बन के डेवलप होकर अब हमारे सिस्टम के अंदर इंक्लूड हो गया। सही जी, होपफुली क्लियर ठीक हो गया। नेक्स्ट मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ की बात करते हैं कि कितने तरह के लॉज हैं उसमें। हम जो चार उसकी स्ट्रक्चर की मेकिंग की बात हो रही है, चार चार उसमें लॉज हैं। नंबर वन इज कॉमन लॉ एंड इक्विटी लॉ, नंबर टू इज स्टैट्यूट लॉ, नंबर थ्री इज प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ, एंड फोर्थ वन इज सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। सही, पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ पर, उसके बाद फिर मैं आपको उसका हैंडआउट वगैरह दिखा दूं। देखें बिल्कुल पहले चले जाए, जब दुनिया शुरू हुई थी तो क्या तब के जमाने में रेड लाइट पे रुकना लॉ था? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि तब गाड़ियां नहीं थी, रोड्स नहीं थे, तो जब ये सब चीजें नहीं थी तो लॉ भी नहीं था। फिर नीड होना शुरू हुई, हुकूमतें बनना शुरू हुई, लोगों को अपना लॉ इंप्लीमेंट करना शुरू किया गया। हर मुल्क में जो हुक्मरान होता था वो अपने मुल्क में अपनी मर्जी के सिस्टम चलाना चाहता था। तो शुरू कब हुआ ये कहानी शुरू हुई? विलियम साहब से, बादशाह विलियम, जिसका पूरा नाम भी विलियम ही कोटेड है बुक्स में भी और गूगल पे भी। उन्होंने 1066 के अंदर, 1066 आज 2020 है, आज से तकरीबन 964 ईयर्स पहले, उस बादशाह सलामत ने क्या किया? उस बादशाह सलामत ने कहा कि यार मैं अपने जजेस को बुलाया गया, जितने उनके जजेस, जो भी उनके जजेस थे, उनको उसने सबसे पहले गाइड किया, एक गाइडलाइन प्रोवाइड की कि मैं अपने मुल्क में, अपनी सल्तनत में ये कानून या इस तरह का निजाम चाहता हूं, ये सिस्टम होना चाहिए और ये सिस्टम मैं अपने मुल्क में चाहता हूं, नाफिज करना चाहता हूं। आप लोग जाएं दूर दराज इलाकों में ट्रेवल करें, एक को नॉर्थ में भेजा, एक को वेस्ट में भेजा, साउथ में भेजा, ईस्ट में भेजा, डिफरेंट एरियाज में उनको डिवाइड कर दिया। आप लोग डिफरेंट एरियाज में जाएं और डिफरेंट एरियाज में जाकर आप लोगों के डिस्प्यूट्स को सुने, जो मसाइल हैं उनको सुने, कोई उनके जो लड़ाई झगड़े हैं उनको सुने, और मेरी गाइडलाइन के मुताबिक उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के हल बनाएं। ठीक है जी, उनको सॉल्व करें आप, रिजॉल्व करें आप, और उन रिजॉल्व, जो भी आप रिजॉल्व करें, जो भी आप अपने डिसीजन दें, उस डिसीजन को लिख लें। ये हमारे विलियम साहब ने हमारे लॉयर्स, अपने जजेस को बता दिया। जजेस जनाब ट्रेवल करना शुरू हो गए और ट्रेवल करते हुए मुल्क के, सल्तनत के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में पहुंचे और वहां जाकर लोगों के डिस्प्यूट सुनना शुरू किए। अब जब वो जैसे जैसे डिस्प्यूट सुनते, गाइडलाइन अपने जहन में थी उनकी, जो बादशाह सलामत ने उनको दी हुई थी, तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो हर डिस्प्यूट का एक एक डिसीजन देते रहे। डिसीजन हुआ, डिस्प्यूट खत्म, कहानी लगे। अब ये जजेस को कुछ वक्त के बाद वापस सल्तनत आना होता था, वहां पर ये तमाम जजेस एक टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वापस जमा होते थे। बादशाह सलामत ने उस जगह का नाम रखा हुआ था वेस्टमिंस्टर हाउस।
वेस्टमिंस्टर हाउस, ठीक है, वहां पे तमाम जजेस इकट्ठे होते थे और बताते थे कि जी हमने आपस में डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस क्या करते थे कि जनाब हमने, मैंने ये मसला सुना था, ये प्रॉब्लम थे, ये फैक्ट्स थे उस केस के अंदर, और मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने ये कहा, ये सॉल्यूशन दिया। दूसरे ने कहा हाँ यार मैंने भी एक केस सुना था और इससे मिलता जुलता ही केस था और उसके अंदर मैंने डिसीजन लिया। तो जनाब जितने भी जजेस थे उन सब आके अपने अपने जो सोल्यूशन लेकर आया करते थे उसको डिस्कस करते थे, और उसके बाद जितने भी लोग डिस्कस कर रहे होते थे उन लोगों के जो डिसीजन थे उनमें से, अब देखिए फॉर एग्जांपल ए जज ने एक लड़ाई पर एक डिसीजन दिया, दूसरे जज ने दूसरी लड़ाई पर दूसरा डिसीजन दिया, हो सकता है कि अगर वो लड़ाई मिलती जुलती है तो उनके जो डिसीजन है उनको एक जगह कंबाइन किया गया, और कंबाइन करने के बाद आपने उसमें क्या किया, एक चीज चेंज ये की कि कंबाइन करने के बाद आपने उसको ये देखा कि इसमें से बेस्ट रिजल्ट कौन सा है, बेस्ट फैसला कौन सा है, और उस बेस्ट फैसले को, जो भी बेस्ट डिसीजन है, वो बेस्ट डिसीजन ये नहीं ए कह रहा है मेरा बेस्ट डिसीजन है, बी कह रहा है मेरा बेस्ट डिसीजन है, ऐसा नहीं है। डिस्कशन करने के बाद एबीसी तीन लोगों ने सेम तरह का केस सुना, तीनों लोगों ने अपने अपने फैसले सुनाए, तीनों लोगों ने अपने अपने फैसलों पे डिस्कस करके ये सोचा कि अगर आइंदा इस तरह का कोई मसला होगा तो क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है, उसको एक जगह लिख लिया, और उस लॉ का नाम, उस डिसीजन का जो कि बेस्ट डिसीजन था इन देयर व्यू पॉइंट, उसको नाम दिया गया कॉमन लॉ का, और उस कॉमन लॉ की एक बुक बना दी गई। ठीक है, तकरीबन 200-300 साल तक जब ये पूरी कहानी चलती रही तो एक बुक मेंटेन होती गई, फैसले आते गए, डिस्कस होते रहे, उसको छान कर, उसको रिवाइज करके एक बेस्ट डिसीजन निकालते गए, और वो फिर चीज जो है वो एक बुक में लिखी जाती गई, और वो बुक क्या बन गई, बुक ऑफ कॉमन लॉ। पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो जजेस वहां पे सारी कहानी कर रहे थे उनका मकसद क्या था, मकसद सिर्फ एक था कि जनाब हम अपने जो कल्चरल वैल्यूज हैं, हम अपने मुल्क के जो कल्चरल सिस्टम है, कल्चरल वैल्यूज है, बिहेवियर हमारे आपस के, उनको हम तमाम को एक जगह इकट्ठा करके लॉ ऑफ लैंड बना दें, लॉ ऑफ लैंड बना दें, ताकि वो एक जगह एक पूरी सल्तनत पर सेम लॉ अप्लाई हो। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि वो जो जजेस थे ना वो इन कॉमन लॉ पर जो अपना फैसला सुनाते थे वो सिर्फ और सिर्फ, अच्छा उस फैसले को वो कहते थे डैमेज, जो फैसला देते थे उस फैसले का नाम क्या होता था, डैमेज होता था, डैमेज वर्ड था उस फैसले का नाम, लेकिन वो जो डैमेज था वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी वर्थ में था। प्रॉब्लम ये था कि वो डैमेज सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी वर्थ में था, यानी अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो ठीक है ठीक इसके पैसे दे दो, अगर किसी ने किसी के हाँ फॉर एग्जाम्पल रॉबरी की कोई बात नहीं थी आप इसके इतने पैसे दे दो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई फैमिली इशू हुआ कोई बात नहीं आप इतने पैसे दे दो, कोई प्रॉपर्टी इशू आंसर सिर्फ उनके पास एक होता था, कम या ज्यादा आंसर क्या होता था, डैमेज पे कर दो, डैमेज क्या होता था, मॉनेटरी वर्क में होता था, पैसों में होता था, पैसे दे दो, हर बात का जवाब पैसे दे दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ये चीज चलती रही 200-300 साल तक चलती रही, लेकिन फिर उसमें से प्रॉब्लम ये हुआ कि ये तो खामी है, ये तो कॉमन लॉ की कमी है, कमी ये है कि ये क्या बात हुई कि हर बात का इलाज पैसा, अगर एक बंदे को किसी ने कत्ल किया तो क्या उसके लिए पैसा जो है वो कॉम्पनसेट कर सकता है, हो सकता नहीं कर सकता, वो कहेगा नहीं जी मुझे तो पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो ये बंदा जो है कत्ल करना है, कोई भी इसका सोल्यूशन दूसरा। इन शॉर्ट के अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसपे पैसा आपका डैमेज के तौर पर काउंट हो जाएगा फिर तो ठीक है, लेकिन अगर पैसा काउंट नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसे के अलावा कोई और बात करें, तो फिर वहां पर ये कॉमन लॉ लिमिटेड था, कॉमन लॉ में इस तरह की कोई चीज नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, इस सिस्टम को फेयर बनाने के लिए, जी तो गलत बात है एक बंदे को पैसे के ऊपर डैमेज नहीं चाहिए तो उसको क्या करें, इस सिस्टम को फेयर बनाने के लिए एक नई चीज बीच में इंक्लूड की गई, वो नई चीज क्या थी, दैट वाज इक्विटी लॉ। इक्विटी लॉ, अब इक्विटी लॉ क्या है, इक्विटी लॉ का मतलब ये होता है कि जनाब आपके पास जज जो केन साहब हैं उन्होंने चांस, जो आपके पास एक वजीर खास होंगे, ठीक है, वजीर खास को एक राइट दिया और कहा जी कि अगर कोई भी शख्स जिसको प्रॉब्लम होगा कॉमन लॉ से वो आपके पास आएगा और आके आप उसका केस सुने और केस सुनने के बाद जो है वो जो आपको फैसला ठीक लगे आप उसको चेंज कर सकते हो, आप उसमें उसकी जो डैमेजेस हैं उसको नॉन मॉनेटरी फॉर्म में लेकर आ सकते हो।
ठीक हो गया। तो ये कहानी थी जिसके ऊपर इक्विटी लॉ है। अब थोड़ा सा हम हैंडआउट को पढ़ लेते हैं, हैंडआउट के ऊपर बातें करते हैं, कॉमन लॉ की पहले, उसके बाद फिर इक्विटी लॉ पे आते हैं। स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट एलिमेंट ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम इज कॉमन लॉ, अ सिस्टम ऑफ रिजिड रूल्स। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि कहानी क्या थी, रूल्स की, ठीक है। जो जजेस डिसीजन ले रहे थे वो सख्त कानून बना रहे थे। एग्जाम्पल, जो कॉमन लॉ था, मैंने एक डेफिशिएंसी इसमें क्या बताई है, एक डेफिशिएंसी ये बताई है जनाब कि उसका जो डैमेज था वो सिर्फ पैसों में होता था, जो कि कई लोगों को काबिले कबूल नहीं था। दूसरी कमी ये थी कि उन्होंने वो चीजों को रूल्स बना दिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे ने किसी को कत्ल किया तो रूल ये है कि इसको अज्यूमिंग 10,000 pounds जो है वो जुर्माना होगा, सही। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया कि यार रूल तो आपने बना दिया, अब दो केसेस सामने हैं। दो केसेस ये आए कि ए ने अटैक करके अपने किसी दुश्मन को कत्ल किया, ए ने अटैक करके अपने किसी दुश्मन को कत्ल किया, ये कहानी नंबर वन है। दूसरी केस के अंदर बी ने अपने किसी दुश्मन को, वो आराम से बी साहब बैठे हुए थे, जो दुश्मन था उनका, उसने अटैक किया और बी ने अपने बचाव में, अपने डिफेंस में, अपने आप को बचाते हुए, फॉर एग्जाम्पल उसको थोड़ा बहुत मारा होगा जिससे उसकी डेथ हो गई। तो रूल ये कहता है कि ए ने अपने दुश्मन को मारा, इसको 10,000 pounds फाइन, बी ने अपने दुश्मन को मारा, इसको 10,000 pounds कर दो। हालांकि ये जो दो केसेस हैं, इन कॉमन लॉ वाले जजेस ने उसको कैसे सॉल्व किया, थ्रू द यूज ऑफ रूल्स। इक्विटी में चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है, इक्विटी में जाके इसकी बात करते हैं और मजीद। फॉलोइंग द नॉर्मन क्वेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ लॉज बाय जजेस who traveled around the country to keep king's peace and judgments often resulted in harsh consequences. That's the baat hai, jab aapne judges ko bhej diya, wo facts and figures ko baat kar rahe hain, kai dafa unke jo results the wo sahi hote the aur kai dafa results sahi nahi hote the, kyunki jis tarah abhi hamare paas evidences bahut sare hote hain, audio recording hai, video recording hai, camera clipping aapko mil jati hai, gawahan bahut sare shamil hain, log media bahut zyada available hai, to abhi hum jo hai wo different tarah se apne case ko prove karne mein kamyab ho jate hain aur uske sahi hone ke chances bhi zyada hote hain. Lekin tab kya tha, tab issue ye tha ki kyunki ye sab cheeze available nahi thi, sirf judge ki baat suni sunai baat ke upar judge jo apna decision de rahe hote the to uske kahin na kahin baad mein consequences aa rahe hote the. Remedies under common law are monetary, known as damage. MCQ आ गया, आप MCQ आ देखिए, ऊपर की लाइन में रिपीट कर दूंगा यहाँ पे। रेमेडीज क्या थी जी, जो कॉमन लॉ में जजेस एक फैसला सुनाते थे तो वो जो चार्ज करते थे उस चार्ज का नाम क्या था, डैमेजेस, और वो होता किस फॉर्म में था, मॉनेटरी फॉर्म में होता था। ऊपर एक लाइन मैंने पहले डिस्कस कर दी थी, रिपीट कर देता हूँ, द जजेस एक्चुअली मेड द लॉ बाय अमलगमेटिंग। अमलगमेटिंग का मतलब होता है मिक्स करना, जमा करना, एड अप करना, टोटल करना, किसको, लोकल कस्टमरी लॉस को इनटू लॉ ऑफ लैंड। जो ट्रेवल करते थे उस इलाके की लॉस को देखकर वो अपना डिसीजन लेते थे अंडर द गाइडलाइन ऑफ द किंग, और फिर आकर वापस जब वो चीजों को एक जगह इकट्ठा करके बेस्ट डिसीजन को लेकर आते थे तो वो बेस्ट डिसीजन जो है वो लॉ ऑफ लैंड में कन्वर्ट होता चला गया। डिवेलपमेंट स्टार्टेड इन 1066, ऑलमोस्ट 964 ईयर्स अगो, आज से 964 साल पहले। किंग्स रिप्रेजेंटेटिव अटेंडेड लोकल कोर्ट्स, बादशाह सलामत ने जो जजेस को नॉमिनेट किया होता था वो ये कोर्ट्स को अटेंड करते थे। कहाँ मिलते थे, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वापस आकर इन सबकी मुलाकात कहाँ पे होती थी, वेस्टमिंस्टर हाउस में। आज भी इंग्लैंड में वजीरों की मुलाकात की जगह वेस्टमिंस्टर हाउस ही है, और वहां पर फिर क्या करते थे जनाब, वहां पर आकर अपनी तमाम तो जो डिसीजन होते हैं उनको डिस्कस करके एक जो बेस्ट डिसीजन होता था उसको लेकर आते थे और उसको एक बुक में लिख देते थे जिसका नाम क्या था, कॉमन लॉ। इट वॉज अ बुक जिसके अंदर ये डिसीजंस लिख रहे हैं। और उसके बाद क्या था, अब यहाँ पे ये दो पॉइंट्स सुनने, अगले पॉइंट्स जुड़ेंगे। हाइलाइटेड द नीड फॉर द अल्टरनेटिव रेमेडीज इक्विटी। इस कॉमन लॉ में मसला नंबर वन ये था कि जनाब इसका रेमेडी सिर्फ और सिर्फ क्या था, डैमेज, जो किस फॉर्म में था, मॉनेटरी फॉर्म में। ये इस कॉमन लॉ की एक कमी थी, जिस कमी को पूरा करने के लिए हम किसको लेकर आ रहे हैं, किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इक्विटी को। और फिर उसके बाद ये है कि विद कॉमनाइजेशन केम रिकॉग्निशन ऑफ डेफिशिएंसीज। 200-300 साल तक जब ये कॉमन लॉ काबिले अमल रहे उसके बाद हमें इसकी खामियां सामने आना शुरू हो गई, डेफिशिएंसीज पता लगनी पड़ी, उसके बाद हमने अल्टरनेटिव्स को सोचा, और वो अल्टरनेटिव क्या था, इक्विटी लॉ। वो अल्टरनेटिव क्या था जनाब, इक्विटी लॉ। पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इक्विटी वॉज डिवेलप
200-300 years ago, यानी तकरीबन 200-300 साल तक कॉमन लॉ डेवलप होता रहा, फिर जब अच्छा खासा ये चीज कॉमन हो गई, लोगों में आम हो गई, तो फिर उनको नजर आया कि यार इसमें तो कमी है। कमी मैंने दो बताई है, पहली कमी क्या थी कि ये रूल बेस्ड है, इसमें ए ने अटैक करके कत्ल किया, बी ने डिफेंस में कत्ल किया, कॉमन लॉ कहता है दोनों को बराबर सजा होगी, जबकि इक्विटी में जो चीज इंक्लूड की गई जनाब वो थी इंटेंशन। उन्होंने कहा कि जनाब आप इस चीज में इंटेंशन को भी मद्देनजर रखें, आप ये भी सोचें कि उसके अंदर उस शख्स की उस एक्शन की इंटेंशन क्या थी, अगर इंटेंशन डिफरेंट है तो उसके हिसाब से आंसर भी, उसके डैमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए। दूसरी कमी क्या बताई थी मैंने कि उसके अंदर सिर्फ क्या चीज इन्वॉल्व थी, पैसा। डैमेज कुछ भी है, कत्ल करो, डाका डालो, कुछ भी करो, उसका डैमेज सिर्फ किस फॉर्म में था, पैसे की फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में। तो इक्विटी तब इंट्रोड्यूस हुआ जब हमने उसके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर जाना शुरू किया, ऑल्टरनेटिव रेमेडीज पर जाना शुरू किया, ताकि फेयरनेस सिस्टम में फेयरनेस आए, ठीक है। वरना पहले क्या था कि अनफेयर था कि हर चीज का जवाब जो है वो कत्ल करो, डाका डालो, हर चीज का जवाब पैसा था। तो टू मेक इट अ लिटिल बिट फेयर उसमें इक्विटी लॉस को इंक्लूड किया गया। ग्रो फ्रॉम द रिकग्निशन ऑफ डेफिशिएंसीज फ्रॉम कॉमन लॉ। देखिए कोई भी चीज ग्रो अप कब करती है, एसी कब बना होगा, जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगनी शुरू हुई। लाइट्स कब इंक्लूड, कब इजाद हुई होगी, जब हमें महसूस हुआ कि यार ये अंधेरे की वजह से हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते। मतलब ये है कि कोई भी चीज तब इंट्रोड्यूस होती है जब उससे पहले राइज वाली चीज में कोई ना कोई कमी आती है। तो ये 200-300 साल तक कॉमन लॉ जब चलता रहा, उसके बाद जब एक चीज में कमी आना शुरू हुई, नजर आना शुरू हुआ कि इसमें तो कमी है, तो फिर हमने वहां पर इंट्रोड्यूस किया इक्विटी को। If a monetary award of damage was not appropriate, there was nothing to else to offer. किसमे? Common law में मसला ये था कि अगर किसी चीज का, for example, कोई monetary जो damage है, वो appropriate नहीं है। एक शख्स को आपने family के head को कत्ल कर दिया, तो भाई क्या वो आपसे पैसे लेंगे उस चीज के? तो answer is it is not appropriate. लेकिन common law में deficiency ये थी कि उनके पास कोई और हल नहीं था। Chancellor's court, ये कौन है जी? ये जो chancellor है ना, ये वजीर खास होते हैं, ये किंग साहब के वजीर खास थे, जिनको एक कौन था, पहला बंदा कौन था, जजेस थे, दूसरा बंदा कौन है, चांसलर कोर्ट्स हैं। चांसलर कोर्ट्स मतलब वजीर खास की अदालत है, और ये तमाम इक्विटी लॉस को वजीर खास साहब डील कर रहे होते थे। अब ये लाइन एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब, इक्विटी शेल प्रिवेल। फॉर एग्जाम्पल एक केस है, और उस केस के अंदर जो है वो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कॉमन लॉ ये कहता है और इक्विटी लॉ ये कहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए ने बी को डिफेंस में कत्ल किया, अपने डिफेंस में कत्ल किया, ए ने बी को अपने डिफेंस में कत्ल किया, अपने आप को बचाने के लिए कत्ल किया, तो कॉमन लॉ ये कहता है कि भाई क्योंकि उसने कत्ल किया, भले डिफेंस में किया, रूल इज रूल, और आप इसको ये डैमेज प्रोवाइड करो, लिमिट 10,000 pounds। इक्विटी के हिसाब से एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं, इक्विटी कहता है यार एक मिनट रुक जाओ, कत्ल उसने किया है, लेकिन यहां पर जो उसकी इंटेंशन थी वो कतल करने का नियत, अटैकिंग नियत नहीं थी, बल्कि वो था लाइक ऑफ डिफेंस, अपने आप को बचाते हुए उसने एक चीज की जिसकी वजह से सामने वाले का कतल हो गया। तो आप इसमें थोड़ा सा रियायत करो, और उसमें फॉर एग्जांपल आप जो है इसको 5,000 pounds या 6,000 pounds का डैमेज दे दे। पॉइंट क्या है, दो डिसीजन आ गए, एक कॉमन लॉ कुछ कह रहे हैं, इक्विटी लॉ कुछ कह रहे हैं। कॉमन लॉ रूल को फॉलो कर रहा है, इक्विटी लॉ इंटेंशन को फॉलो कर रहा है। किंग साहब के पास बात चली गई, किंग ने कहा कि अगर कोई ऐसा मसला हो जिसमें कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ आमने सामने आ जाएं, तो इक्विटी लॉ शेल प्रिवेल, जो इक्विटी कह रहा होगा वो ही प्रिवेल करेगा, जो इक्विटी कह रहा होगा वो ही प्रिवेल करेगा। देखिए इक्विटी लॉ एक किस्म का अपील वाला एलिमेंट भी था कि कॉमन लॉ के डिसीजन से कोई बंदा सेटिस्फाई नहीं होता था, तो फिर वो कहां आता था, चांसलर कोर्ट में, इक्विटी लॉ की मदद लेने के लिए। MCQs के लिए याद रखो कि अगर कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ आमने सामने होंगे तो विच लॉ विल प्रिवेल, आंसर इज इक्विटी लॉ। आगे पढ़ने, हमने ऊपर बात की कि कॉमन लॉ में रेमेडी क्या थी, एक ही रेमेडी थी मॉनेटरी, जब यहां पर नॉन मॉनेटरी में आए तो उसकी 3-4 किस्में जो है वो रेमेडीज थी, दो यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह आगे कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमने सब चीजें पढ़नी है। एक है जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और दूसरा है इंजंक्शन, एक है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और दूसरा क्या है, इंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाने के बाद जनाब 60-70% कोर्स मैंने करा दिया, और 60-70% कोर्स करवाने के बाद मैंने आपको कहा कि जनाब मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा हूँ और मैं आपको मजीद नहीं पढ़ा, ठीक है।
60-70% कोर्स मैंने करा दिया, 15-20 दिन बाद फॉर एग्जांपल आपका पेपर है, यू आर टोटली डिपेंडिंग ऑन मी। तो मैंने कहा कि जनाब आपके पास ये 70% कोर्स हो गया, मैं किसी अपनी पर्सनल नीड की वजह से, पर्सनल जरूरत है मेरी, इसकी वजह से मैं वहां पे बिजी होऊंगा, तो जनाब 30% कोर्स में आपको मिला। तो आपने कहा सर ये हमारा पेपर वेपर है, कोई बात नहीं पेपर है तो क्या हुआ, आपका फॉर एग्जाम्पल फीस 10,000 है, 7,000 मैं ले लेता हूँ, मैंने आपको 70% पढ़ा दिया, डैमेज है कि 3,000 आपको वापस करता हूँ, और क्योंकि मेरी वजह से शायद आपको नुकसान हो जनाब, आप 4,000 वापस ले, तो क्या आप ये 4,000 रुपए एक्सेप्ट करेंगे? हाँ सर ठीक है कोई बात नहीं, 70% पेपर है, कुछ करके हम पास हो जाएंगे, आप जाएं अपनी निजी मसरूफियात में, आप पूरा उसको डील करें, हमें 4,000 दे दें, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, बाकी घर पे बैठ के पढ़ लेंगे, दैट्स इट, कोई इतना मसला नहीं है। विल इट बी एक्सेप्टेबल फॉर यू पीपल? क्या आप 4,000 देके कहोगे हाँ जी ठीक है कोई मसला नहीं है, आप जाएं अपने जो आपका पर्सनल काम है? होपफुली आंसर इज नो, आप कहेंगे नहीं सर ये क्या बात कर रहे हैं, पैसों की तो बात ही नहीं है, हमें तो कोर्स पूरा करा के दे, हमें तो तैयारी पूरी करा के दे, हमारा पेपर है 15 दिन बाद, हम कहाँ ढूंढेंगे कोई और टीचर, उसकी समझ आए ना आए, आपके साथ हमारा लिंक बना हुआ है, उसके हमारा लिंक बने ना बने, हमारा बड़ा क्रूशियल पेपर है, एग्जाम है सर, एसएससी का पेपर है, तो मजाक नहीं चल रही। तो आप कोर्ट चले गए, कोर्ट जाके जनाब आप गए पहले कॉमन लॉ, कॉमन लॉ ने कहा ठीक है सर कह तो नहीं ठीक है 3,000 आपके बनते हैं, वो 3 की जगह नुकसान तो हो रहा है 11 बनता, आप 4,000 ले लेंगे, आप अपील करेंगे इक्विटी लॉ, इक्विटी लॉ चले गए, चांसलर कोर्ट चले गए, चांसलर कोर्ट जाके आपने कहा जी ये प्रॉब्लम है और हमें किसी भी तौर पर ये पैसों का रिफंड काबिले कबूल नहीं है, क्योंकि हमारे पेपर्स है और हमें अपने पेपर्स की तैयारी 100% चाहिए। कोर्ट ने इक्विटी ले, चांसलर साहब ने, वजीर खास साहब ने मुझे ऑर्डर किया कि सर आपको इनको पढ़ाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उनके पेपर्स हैं, आपका पैसे देना उनको पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, पर्पस उनका एग्जाम देना, तैयारी करना, पेपर पास करना है, तो यू हैव टू स्पेसिफिकली परफॉर्म इट, आपको ये काम लाजमी तौर पर करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, ये एक और डैमेज है जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आएगा, तो यू हैव टू कंप्लीट द टास्क। दूसरा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ जरा इंजंक्शन का, व्हाट इज इंजंक्शन? इंजंक्शन का मतलब ये होता है टू स्टॉप, एक आपने वर्ड सुना होगा स्टे ऑर्डर का, स्टे ऑर्डर का, फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं और ए और बी दोनों की लड़ाई हो रही है एक बिल्डिंग के ऊपर, और ए साहब कहते हैं मेरी बिल्डिंग है मेरी जगह है, बी साहब कहते हैं मेरी जगह है, उसके कुछ डिस्प्यूट्स हैं पेपर के ऊपर, कुछ मसाइल हैं, तो ए साहब ने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी, अभी ये बिल्डिंग डिस्प्यूटेड बिल्डिंग है, सही, तो ए साहब ने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, बी साहब ने कोर्ट में केस किया हुआ है, बी साहब पहले चले गए कॉमन लॉ, उन्होंने कहा ठीक है जी आप एक काम करें आप इतने पैसे ले लें और जान छोड़े बिल्डिंग उसको बनाना से बनाता है वो, आपने कहा नहीं सर ये बिल्डिंग जो है ये मेरी बिल्डिंग है और बड़ी मुझे ये बिल्डिंग ही चाहिए मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, फिर आप कहां पे अपील करेंगे? आफ्टर कॉमन लॉ आप अपील करेंगे कहां पे? इक्विटी लॉ में, चांसलर कोर्ट चले गए, जाके आपने मसला बताया, आपने कहा सर ये प्रॉब्लम चल रहा है और वो भाई साहब धड़ाधड़ जो है उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी हुई है, तो आज अगर ये कंस्ट्रक्शन पूरी कर लेगा तो कल को तो मैं किसी तौर पर इस जमीन नहीं ले पाऊंगा, वो तो कंस्ट्रक्शन भी क्लेम करेगा, तो फिर वहां पर चांसलर साहब ने इंजंक्शन पास किया, व्हाट इज दैट इंजंक्शन? चांसलर साहब ने एक ऑर्डर दिया टू स्टॉप दैट कंस्ट्रक्शन, स्टॉप दैट कंस्ट्रक्शन अंटिल दिस केस इज सेटल्ड आउट, कि जब तक ये केस सेटल ना हो जाए तब तक वो इंजंक्शन ऑर्डर आ गया, स्टे ऑर्डर आ गया टू स्टॉप दैट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये एक और रेमेडी थी जो कि इक्विटी लॉ में आ रही थी। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट इज रेमेडीज आर गिवन कोर्ट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट का, ये मैं नहीं कहूंगा कि सर उसको रोकें, मैं नहीं कहूंगा कि पूरा करवाएंगे, कोर्ट का डिसीजन होगा कोर्ट किस तरीके से उसको लेके चलेगा, ओनली गिवन इफ डैमेजेस इज अनअप्रोप्रिएट, और कोर्ट सिर्फ तभी डिसीजन लेगा अगर डैमेजेस जो होंगे वो क्या होंगे जनाब, इनअप्रोप्रिएट, कौन से डैमेजेस, जो मॉनेटरी डैमेजेस हैं वो इनअप्रोप्रिएट होंगे तो ही यहां पर इंक्लूजन ऑफ इक्विटी लॉ होगा। होपफुली कॉमन लॉ इक्विटी लॉ क्लियर, एक मिनट ले रहा हूं, एनी क्वेश्चन, जस्ट वन मिनट, एनी क्वेश्चन, लॉ की डेफिनेशन, कॉमन लॉ, इक्विटी लॉ, तीन बातें पढ़ ली है, कोई भी मसला है तो पूछ लें। थर्टी सेकेंड्स, आई विल मूव टू स्टैट्यूट लॉ।
बेटे सर इंग्लैंड इंग्लैंड की बातें सर, ये पाकिस्तान के ऊपर इंशाल्लाह आएंगे। इक्विटी लॉ जो है स्ट्रक्चर वही है, सिस्टम वही है, ये चीजें डेवलप होगी ना। जो इक्विटी लॉ मैं आपको बता रहा हूँ पक्की बात है, जब कॉमन लॉ से 200-300 साल के बाद इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई, आज जो है वो जब चीजें डेवलप हो चुकी है तो बहुत सारी चेंजेस आ गई है। तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, जो कि पाकिस्तान का अपना स्ट्रक्चर है, तो वो उसके हिसाब से ही फॉलो हो रहा होगा। चले जी, नेक्स्ट पार्ट इज स्टैट्यूट लॉ। नेक्स्ट पार्ट इज स्टैट्यूट लॉ। देखें जो कॉमन लॉ या इक्विटी लॉ है वो किसने बनाया? वो जजेस ने बनाया, जुडिशरी ने बनाया, जो जजेस अपॉइंटेड बाय द किंग थे उन लोगों ने बनाया। और जो कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ थे उसकी डेवलपमेंट कब हुई थी? जब इंग्लैंड देयर वाज किंगशिप, जब बादशाह सलामत होते थे, और बादशाह सलामत के दौर के अंदर ये तमाम कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ जो है वो डेवलप हो रहे थे। उसके बाद जब डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आने के बाद जो एक वर्ड इंक्लूड हो गया, दैट इज पार्लियामेंट। एक वर्ड इंक्लूड हो गया, और वो वर्ड क्या है जनाब? पार्लियामेंट वर्ड है। तो पार्लियामेंट क्या होता है? पहले पार्लियामेंट का थोड़ा सा ब्रेकअप पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, और पाकिस्तान के बाद फिर जो है वो आपको मैं यूके का बताता हूँ। आपने एक वर्ड सुना होगा नेशनल असेंबली। 3 दिन पहले नेशनल असेंबली में बजट तकरीर की गई, ये आपने न्यूज सुनी होगी कि 3 दिन पहले नेशनल असेंबली के अंदर बजट तकरीर की गई है, और वहां से वो अप्रूव होकर अब नेक्स्ट हाफ नेशनल असेंबली से नेक्स्ट हाफ सेनेट में जाएगी, और सेनेट में दोबारा इस चीज देखने के बाद, अप्रूव होने के बाद, द फाइनल डेस्टिनेशन विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। ठीक है जी। तो पाकिस्तान की जो 3 मैंने नाम बोले हैं, स्टार्टिंग विद नेशनल असेंबली, फिर उसके बाद सेनेट है, और थर्ड वन जो है वो क्या है? प्रेसिडेंट है। जो नेशनल असेंबली दैट इज लोअर हाउस, जो सेनेट है दैट इज अपर हाउस, एंड द फाइनल डेस्टिनेशन इज द मिस्टर प्रेसिडेंट। इन 3 लोगों का जो कॉम्बिनेशन है, इन 3 लोगों को कंबाइनली कहा जाता है पार्लियामेंट। इन 3 लोगों को कौन कौन से 3 लोग जनाब? लोअर हाउस यानी नेशनल असेंबली, अपर हाउस यानी कि सेनेट, और थर्ड वन कौन है? प्रेसिडेंट साहब। इन 3 लोगों को पाकिस्तान में कंबाइनली क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। नेक्स्ट, अब यूके की बात करते हैं। यूके के अंदर जो हमारी नेशनल असेंबली है वो वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स है। जो हमारी नेशनल असेंबली है, जो हमारा लोअर हाउस नेशनल असेंबली है, वो यूके के अंदर दैट इज कॉल्ड हाउस ऑफ कॉमन्स, इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोग इलेक्शन होते हैं और लोग उनको हायर करते हैं। जो हमारा अपर हाउस सेनेट है वो यूके के अंदर जो है दैट इज कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है। थर्ड डेस्टिनेशन जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंटशिप है, वहां पर जो थर्ड है दैट इज कॉल्ड क्वीन, जो वहां पे क्वीन आ रहा है लाइफ टाइम गारंटी की, जो क्वीन है उनका थर्ड नंबर पे आएगा। सही। तो वहां पे यूके के अंदर जो पार्लियामेंट, उसके 3 पिलर्स कौन कौन से? नंबर 1 इज हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको हम हमारे यहाँ नेशनल असेंबली कहा जाता है। सेकेंड वन इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको हमारे यहाँ सेनेट कहा जाता है। थर्ड वन इज क्वीन, जो कि हमारे यहाँ जो रोल है वो प्रेसिडेंट साहब का रोल है, वो वहां पर क्वीन रोल परफॉर्म कर रही है। ये 3 चीजें कंबाइनली नोन एज पार्लियामेंट। तो स्टैट्यूट लॉ क्या होता है? स्टैट्यूट लॉ जो है, स्टैट्यूट लॉ का मतलब होता है ऐसा कानून जो कि किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने बनाया। और जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट का वर्ड आ रहा है तो वो बात कभी एप्लीकेबल होगी, उन ममालिक में एप्लीकेबल होगी जैसे पाकिस्तान, जैसे इंग्लैंड, जहां पे डेमोक्रेसी है। अगर दुनिया का कोई ऐसा मुल्क जैसे सऊदी अरेबिया, आज भी वहां पर टेंशन है, तो वहां पर जो है वो अभी भी पार्लियामेंट वाला तसव्वुर नहीं आएगा। ठीक है, वहां पर अरकान जो मजलिस शूरा टाइप होती है वो चीज बात है। पर यूके की बात करें तो जनाब यूके के अंदर कोई भी लॉ जो किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ कौन बना रहा था? जजेस बना रहे थे। जबकि जो आपके पास स्टैट्यूट लॉ है दैट इज मेड बाय द पार्लियामेंट। चैप्टर 2 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरीके से लॉ बनता है, किस तरीके से लॉ के प्रोसीजर्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, वो सब चीजें वहां पर डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल के लिए आपके पास इतनी नॉलेज काफी है कि वो लॉ जो पार्लियामेंट यानी हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और क्वीन, इन 3 लोगों की असेंट से, मर्जी से बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है जनाब? वो लॉ स्टैट्यूट लॉ कहलाता है। ठीक है। और नॉर्मली ये जो लॉज हैं ये कौन क्यों बनाए जा रहे होते हैं? ये उन इश्यूज पे बनाए जा रहे होते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नेचर के होते हैं, जो थोड़े से टाइम टेकिंग नेचर होते हैं। पहले वो देखते हैं कि जनाब इस चीज के बारे में क्या आपको कॉमन लॉ या इक्विटी लॉ मौजूद है? आंसर इज नो, इसके लिए क्योंकि वो तो सिंपल सिंपल कानून थे। अब क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट वाला जो थोड़ा सा इश्यू डिस्प्यूट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है,
थोड़ा सा जो है वो टाइम टेकिंग आ रहा है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट आएगी और पार्लियामेंट में वो लॉ बनाया जाएगा। सही, पढ़ लेते जो लिखा हुआ है उसमें एक दो चीज देखी क्या है। Parliament is responsible for statute law. Statute law is usually made in areas so complicated or unique that suitable common law alternatives are unlikely or would take an unacceptable length of time to develop. Company law की बात करें, UK का company law जो आपने भी F4 में उसको थोड़ा structure पढ़ना है, आगे आप F7 में, F8 वगैरह में पढ़ रहे होंगे, तो वो पूरे का पूरा law statute law है जो कि Parliament में बना और वो बहुत complicated, बहुत लेंथी लॉ है, टाइम बहुत टाइम लगा उसको बनने के लिए, तो फिर दैट्स व्हाई दैट लॉ वाज क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट एंड दैट कंपनी लॉ इज नोन एज स्टैट्यूट लॉ। ठीक है जनाब, तो ये हो गया स्टैट्यू। अब ये लाइन थोड़ी सी एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। पार्लियामेंट पासिस लॉ एंड ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज और रिपेल लॉज। एक वर्ड याद रखिएगा, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। यूके के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो कानून पार्लियामेंट ने बना दिया पार्लियामेंट ही उस कानून को खत्म करे तो करे, अदरवाइज कोई और अथॉरिटी उस कानून को खत्म नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट से ज्यादा आईन सुप्रीम है। आईन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, हमारे यहाँ वो सुप्रीम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे आईन में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी गैर मुस्लिम, कोई भी नॉन मुस्लिम साहब जो हैं, वो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ये हमारे आईन में लिखा हुआ है। पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ कि जनाब कोई भी गैर मुस्लिम शख्स जो है वो हमारे पाकिस्तान का लॉ का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता है। किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। तो क्या ये लॉ बन सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि पार्लियामेंट ने कहा, तो हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम, पार्लियामेंट जो कहेगी वही माना जाएगा। आंसर इज इन पाकिस्तान आईन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी चीज को रोक रहा है तो पार्लियामेंट आईन से मुतसादिम, आईन के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई लॉ पास नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है उसको नल कर देंगे कि जी आप ये कानून नहीं बना सकते हैं। भारत वापस आ जाए, यूके की बात करें तो एमसीक्यूज अगर आएगा तो बेटा जी वो पाकिस्तान का नहीं, वो यूके का आएगा। और यूके के लिए एमसीक्यू याद रखो कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, जो हाईएस्ट पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है। और सेकंड चीज क्या कि अगर किसी पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को खत्म करना होगा, होता है ना एक चीज की जरूरत थी लॉ का, अब जरूरत नहीं रही, लॉ खत्म करें या लॉ को चेंज करें, तो लॉ को खत्म या अमेंडमेंट पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून में जो चेंजेस होंगी या जो खत्म किया जाएगा वो सिर्फ कौन करेगा? वो पार्लियामेंट के पास ही पावर है, इसके अलावा कोई और अथॉरिटी नहीं कर सकती। तो लाइन हाल को इन यूके जो एक लाइन यूज होती है लॉ के अंदर, दैट इज कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। नेक्स्ट इज पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। अब नेक्स्ट हाफ थोड़ा सा सुन लीजिएगा, तो जी पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ की बात करते हैं। पब्लिक नाम से जाहिर है कि आम पब्लिक की बात हो रही है, गवर्नमेंट के ऑपरेशंस की, फंक्शंस की बात हो रही है, ऐसे कानून की बात हो रही है जिसका ताल्लुक आपके पास आम जनता, आम पब्लिक से है, आम आवाम से है, हम आपसे है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो ट्रैफिक लॉज है, ये सारे के सारे टेररिज्म लॉज है, ये सारे के सारे क्या है? पब्लिक लॉज है, क्योंकि इसका इफेक्ट किस पर हो रहा होता है? पब्लिक पे हो रहा होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ जी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, दैट इज बिटवीन यू एंड मी, दो लोगों के दरमियान हो रहा है, तो दैट इज अ private law. As it is, क्या से read out कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। Public law is concerned with government and functions of public organization. Important MCQ याद रखिएगा कि public law का ताल्लुक government और public of function of organization से है। It applies on people irrespective of their position. That is theft act, murder act. Public law में कहीं ना कहीं criminal cases आते हैं, कहीं ना कहीं मुजरिमाना acts आ रहे होते हैं, ऐसे एक्शन आ रहे होते हैं, ऐसे अमल आ रहे होते हैं जो कि मुजरिमाना हो। जैसे चोरी का एक्ट है, ठीक है, जैसे आपके पास रॉबरी है, रॉबरी के इश्यूज हैं, करप्शन के इश्यूज हैं, टेररिज्म के इश्यूज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो पब्लिक लॉ में आ रहे होंगे। लेकिन अगर हम प्राइवेट लॉ की बात करें तो प्राइवेट लॉ डील्स विद इंडिविजुअल, तीन बातें इसमें आ गई, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल मेरा आपका लेन देन कैसा है, ग्रुप दो चार लोगों का एक दूसरे के साथ आपस में कैसा लेन देन है, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी टू कंपनी कैसे डीलिंग हो रही होती है।
तो प्राइवेट लॉ की बात करें, प्राइवेट लॉ डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर वन प्राइवेट इंडिविजुअल्स, नंबर वन प्राइवेट इंडिविजुअल्स, नंबर टू ग्रुप्स, नंबर थ्री क्या है जनाब, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात, ठीक है। दो ही चीजें इसमें आ रही होती है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वन ऑन वन ए वर्सेस बी, या दूसरा क्या है ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन आपस में कैसे डील कर रही है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ और एम्प्लॉयमेंट लॉ। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये क्या है प्राइवेट लॉ है। नंबर टू फॉर एग्जाम्पल ए ने के ने मैं मैंने ऐसा इंडिविजुअल के ने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया यहाँ पर पढ़ाने का, फॉर एग्जाम्पल दैट विल बी ऑल्सो कम्स अंडर प्राइवेट लॉ। डिफरेंस सुन लेना पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। पहला डिफरेंस जो आ गया वो क्या है, जो आप और मैं आसानी से इतना पढ़ने के बता सकते हैं कि पब्लिक लॉ डील्स विद गवर्नमेंट एंड पब्लिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, व्हेयरएज प्राइवेट लॉ डील्स विद इंडिविजुअल और ग्रुप्स। डिफरेंस सुनने क्या है जनाब, द की डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ इज दैट द स्टेट दैट प्रोसिक्यूट्स अंडर पब्लिक लॉ वेयर द इंडिविजुअल टेक्स अप द एक्शन इन प्राइवेट लॉ। अब ये वर्ड सुनना, जो बेसिक फर्क है वो ये है जनाब कि पब्लिक लॉ और जो प्राइवेट लॉ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बी ने मुझे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड किया, धोखा दिया, तो बी के खिलाफ केस कौन करेगा, मैं करूंगा, इंडिविजुअल केस करेगा, एक शख्स केस करेगा। प्राइवेट लॉ में हूँ प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब कोर्ट में कौन लेके जाता है, केस कौन फाइल करता है, आंसर इज इंडिविजुअल, प्राइवेट लॉ की बात कर रहा हूं। जबकि पब्लिक लॉ में यानी ऐसा मैटर जो कि पब्लिक डील पब्लिक डीलिंग के हिसाब से, फॉर एग्जांपल एक बैंक में रॉबरी हुई है, एक बैंक में डाका डाला, तो बैंक उसमें फरीक एक पार्टी जरूर होगा, लेकिन वो केस क्यों होगा, जैसे पुलिस आती है एफआईआर करती है, तो ये तमाम तर चीजें जो है वो कौन प्रोसिक्यूट कर रहा होगा, कोर्ट प्रोसिक्यूट कर रहा होगा, कोर्ट सॉरी गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करेगी, गवर्नमेंट उसको केस को लेकर चलेगी। तो प्राइवेट लॉ आर कैरिड आउट बाय द इंडिविजुअल्स, पब्लिक लॉ जो है वो सारे के सारे क्योंकि वो पूरी मुफादे आमा के लिए होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे पब्लिक के लिए होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, अमीर गरीब जालिम मजलूम सबके लिए बराबर केस होते हैं, सबके लिए सबको बराबर अफेक्ट कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई पब्लिक लॉज आर प्रोसिक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, व्हेयर द प्राइवेट लॉज आर प्रोसिक्यूटेड बाय द इंडिविजुअल्स। तीन बातें हो गई जनाब, लॉज की हमने बातें की थी, तो लॉज के अंदर जो है टाइप्स ऑफ लॉज हमें चार पढ़ने, पहला हम पढ़ चुके कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ, सेकंड हमने पढ़ा स्टैट्यूट लॉ और थर्ड वन इज पब्लिक एंड प्राइवेट। यहां तक को मसला, यू हैव वन मिनट टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू, देन विल बी मूविंग टू द फोर्थ पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज बेटा प्राइवेट लॉ में और सुन लो, प्राइवेट लॉ के अंदर ना जैसे मैंने अभी बताया कि पब्लिक लॉ में सारी प्रोसिक्यूशन कौन कर रहा होता है, गवर्नमेंट कर रही होती है, प्राइवेट लॉ में गवर्नमेंट नहीं घुसती, गवर्नमेंट ने आपको लॉस बता दिए, फ्रेमवर्क बता दिया कि जनाब किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा, किस तरीके से आप डीलिंग करोगे, सब लॉ ने बताया आपको, लेकिन लॉ कहता है भाई खुद निपटो, खुद निपटो, आपस में खुद इसको देखो, लॉ बीच में जो गवर्नमेंट है वो बीच में नहीं आ रहा था। लॉ आपको सिर्फ प्राइवेट लॉस के अंदर लॉ आपको सिर्फ एक डील बताता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लॉ है कौन सा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक्ट 1979, ये लॉ का नाम है, ठीक है। तो ये बताता है कि हाउ टू सेल गुड्स, आप जब मैं फॉर एग्जाम्पल अपने गुड्स को सेल करूंगा तो वो कैसे सेल की जाएंगी, ये इस लॉ में बता दिया गया, सही। आई हैव टू फॉलो दिस लॉ और इस लॉ को फॉलो करते हुए मैं अपनी गुड्स को बायर को सेलर को जो है आपस में डीलिंग कर सकते हैं। तो लॉ आपको बता दिया गया बाय द गवर्नमेंट बाय द स्टेट, लेकिन अब जिसकी डीलिंग है ना किस तरह से बेचना है क्या बेचना है, ये सारी की सारी कहानी इंडिविजुअल पर आएगी। तो एक और डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट का ये भी है कि पब्लिक के अंदर जो पूरी प्रोसिक्यूशन है वो सारा अमल दखल किसका है, इसमें कौन लेकर चल रहा होता है, गवर्नमेंट, जबकि प्राइवेट लॉज के अंदर लॉज हमने आपने नहीं बनाए, प्राइवेट लॉज भी गवर्नमेंट ने स्टेट ने बनाए हुए हैं, मुल्क के कानून है, बस उसमें गवर्नमेंट घुसती नहीं है, वो कहती है जनाब ये लॉ आप देख लें, इस लॉ के तहत आप आपस में खुद डील कर रहे हैं, सेटलमेंट वगैरह देख लें। कोई क्वेश्चन था इसमें, हाँ जी ये क्वेश्चन आया देख लेते हैं, प्राइवेट लॉ भी तो गवर्नमेंट कोर्ट्स डील करती है, बिल्कुल ऐसे ही बेटा, कोर्ट्स जितनी भी है वो तो सारी गवर्नमेंट की ना, प्राइवेट कोर्ट तो कोई है ही कि मैं यहाँ पर अदालत लगा के बैठू, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, जितनी कोर्ट्स हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट की कोर्ट्स हैं, दैट आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट,
और उसके अंदर जो केसेस है वैसे गवर्नमेंट की जाती है, तो उसके पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था उसमें गवर्नमेंट का मन दखल नहीं। उसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने मुझे ब्रीच किया, फ्रॉड किया, मैं आपको लेकर अदालत चला गया, इस सारी कहानी में गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के बीच में नहीं है, हम अदालत के अदालत जाकर हमने उसको डील किया, गवर्नमेंट का नामो निशान नहीं है, कोई गवर्नमेंट का ताल्लुक नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा जो कोर्ट है उसने कहा हाँ जी अल्तमश साहब आपने मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम किया था, इतना डैमेज आप सर आने को पे कर दें, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है ना। लेकिन एक एग्जाम्पल सुन लो, आपने एक नाम सुना होगा शाहरुख जुतोई साहब, सिंध में एक शाहदेव नाम का शायद बच्चे का 20-21 साल का लड़का था, और शाहरुख जुतोई साहब ने कुछ लंबी कहानी शॉर्ट करके सुनाता हूँ कि वो शाहरुख जुतोई साहब एक वडेरे साहब के बेटे, और उन्होंने जनाब उस बच्चे को जो है वो शूट कर दिया, रात के लड़ाई वड़ाई थोड़ा सा कोई हरासमेंट का प्रोसेस केस ऐसा कुछ था, तो उसने उसको कत्ल कर दिया। तो जनाब हुआ ये कि वो जो शाहदेव साहब है उसके फादर एक बहन थी वाइफ थी, बेचारे दो तीन लोग कमजोर से लोग, एक तरफ बडेरे साहब है अच्छे बड़े नामी ग्रामी, और एक तरफ एक छोटी सी ऑर्डिनरी सी फैमिली थी, तो बच्चा तो कत्ल हो गया, अब क्या करे, उसको कोई वापस तो आ नहीं सकता, तो इन लोगों ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और सेटलमेंट कर दिया, और सेटलमेंट ये होकर आपको इतने पैसे देंगे ऑस्ट्रेलिया में सेटलमेंट कर देंगे, और वो पूरी की पूरी फैमिली वो पैसे लेकर ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गई। मजबूर थे, पाकिस्तान का सिस्टम इतना कमजोर है कि हम जो है वो मजलूम का कोई हाल नहीं है, अमीर गरीब के लिए अलग कानून है, वो सब चीजें आप लोग जानते हैं, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, पैसे खत्म हो नहीं पा रहे। लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब गवर्नमेंट ने कहा, स्टेट ने कहा यार उन्होंने इंडिविजुअल एलिमेंट के तौर पर आपको माफ कर दिया, इंडिविजुअल सोचे तो उन्होंने आपको माफ कर दिया, इंडिविजुअल सोचे तो उन्होंने आपको माफ कर दिया, लेकिन एज अ स्टेट बात करें तो हमारा कानून किधर है, हम बीच में किधर है, ऐसी दंडनाते फिर रोड पे चलते हुए किसी भी शख्स को आप माफ कर दो, किसी भी शख्स को आप कत्ल कर दो और वो आपको कल को माफ कर दे, तो क्या हम आपको छोड़ देंगे? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो अभी तक वो शाहरुख जुतोई साहब जो है वो भुगत रहे, और अभी भी वो जो है वो आपके पास जेल में ही मौजूद है, सही। ऑल्दो जब आपकी जो एग्रीव पार्टी है, एग्रीव पार्टी का मतलब होता है जिसको नुकसान हुआ, जिसने नुकसान फेस किया, जिनका बच्चा फौत हुआ, उन्होंने अगर माफ कर दिया तो कहीं ना कहीं जो है वो सजा में कमी, कहीं ना कहीं सजा डिफरेंट हो जाती है, लेकिन उसको जो ऐसा क्राइम जो कि गवर्नमेंट लेवल पर है, स्टेट उसमें इन्वॉल्व है, मर्डर का केस था तो वहां पर जो है वो केस लेके कौन चल रहा होता है, वो गवर्नमेंट लेकर चल रही होती है। तो शाहरुख जुतोई को जो पहले सजाएं मौत दे दी गई थी उसको फिर कन्वर्ट करके उम्र कैद में अभी वो सजा काट रहे हैं, ठीक है जी। होपफुली आंसर इज कंफर्म, स्टैट्यूट लॉ पब्लिक लॉ डन, होपफुली इफ आई कैन गेट टू यस देन आई विल कंटिन्यू, इफ आई कैन गेट टू यस। ओके फाइन, एक आ गया, एक यस और आ जाए तो आई शुड मूव ऑन, चले दो तीन चार, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते जनाब, टाइप्स ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं, और टाइप्स ऑफ लॉ के अंदर हमने अब तक कॉमन लॉ, इक्विटी लॉ, स्टैट्यूट लॉ, और इसके अलावा अब हमने पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस थोड़ा सा देख लिया। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द फोर्थ टाइप ऑफ लॉ, एंड दैट इज द डिफरेंस, या दो हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, और इसको हम थोड़ा सा डिफरेंस लेकर पढ़ेंगे ताकि चीजें आसानी से समझ में आएंगी। इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि जो कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ आपका चैप्टर सब्जेक्ट है, दैट इज टोटली डील्ड विद सिविल लॉस, इसका क्रिमिनल लॉ से इतना ताल्लुक नहीं है, ये ज्यादातर डील जो बड़ा पार्ट है आपके सिलेबस का वो सिविल लॉ है, हाउ टू ऑपरेट बिजनेस, हाउ टू डील विद ईच अदर, हाउ टू डील विद इंडिविजुअल्स, हाउ टू डील विद ग्रुप एटसेट्रा, वो ज्यादातर जो पार्ट है जनाब वो आपका सिविल लॉ पे डील करता है। लेकिन अभी हम सिर्फ ऐसा एज अ लॉ स्टूडेंट ये पढ़ रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में क्या फर्क होता है, दो चार फर्क मैं बताता हूँ, डेफिनेशन का फर्क है, एक्शन का फर्क है, उसके इफेक्ट्स का फर्क है, एक में पूरी सोसाइटी का इफेक्ट हो रहा है, एक में इंडिविजुअल का इफेक्ट हो रहा है, टर्मिनोलॉजीज का फर्क है, टर्मिनोलॉजीज का फर्क है थोड़ा सा, और इसके अलावा जो है कोर्ट्स इसकी डिफरेंट होती है, ठीक है, सिविल लॉ अलग कोर्ट में चलते, सिविल लॉज अलग कोर्ट में सुने जाते हैं और क्रिमिनल लॉज जो है वो अलग कोर्ट में सुने जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे डिफरेंस है। तो हम इस टॉपिक को यहाँ से डिफरेंस से ही उठाते हैं और डिफरेंस को देखकर चलते हैं, इसमें थोड़ा सा साथ रहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो चार चीजें इसके अंदर बड़ी जरूरी हैं जो कि आपको समझनी आनी चाहिए। अच्छा जी, टेक 30 सेकंड्स, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
डिफरेंस लेके चलेंगे ना थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, स्टार्टिंग विद सबसे पहली बात, पहली बात यहां पर मैं इसमें लिखूंगा कि जनाब जो सिविल लॉ है ना, दैट इज बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ए भी अवाम है, बी भी अवाम है। जो क्रिमिनल लॉज है, अभी मैंने आपको शाहरुख जदोई साहब की पूरी एग्जांपल दी है, दैट इज बिटवीन स्टेट एंड पीपल, दैट इज बिटवीन स्टेट एंड पीपल। इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है? स्टेट वर्सेस पीपल होते हैं, ठीक है, स्टेट वर्सेस पीपल है। नंबर टू, यहां पर जो गलत हुआ उसका जो ऑफेंड है, अफेक्ट हुआ जनाब, अफेक्ट हो रहा है इंडिविजुअल्स, किसमें? प्राइवेट में जो अफेक्ट आ रहा है वो इंडिविजुअल पर आया। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, अजमीन मैंने अल्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अल्टमर्स ने मुझे ब्रीच किया, फ्रॉड किया, तो इसका अफेक्ट किसको हुआ है? सिर्फ मुझे हुआ, एक इंडिविजुअल को हुआ। पहली बात यह कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था जो मैंने ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कैसे पता कि ये एक सिविल लॉ है? आंसर है सर, इसमें क्योंकि दो लोग इन्वॉल्व है, दो पीपल इन्वॉल्व है, ये सिविल लॉ है। दूसरे नंबर पर सर, ये इसलिए भी सिविल लॉ है क्योंकि अगर इसमें कोई ब्रीच होगा, कोई ऑफेंड होगा, कोई रॉन्ग डूइंग होगी, कोई खराबी होगी, तो उसमें अफेक्ट सिर्फ इंडिविजुअल को होगा। तो जनाब क्रिमिनल लॉ में अफेक्ट किसको होता है? सोसाइटी को। क्रिमिनल लॉ में अफेक्ट किसको होगा? सोसाइटी को। ठीक है जी, सोसाइटी को। एक और डिफरेंस आ गया, पहला डिफरेंस क्या था? क्रिमिनल में इट इज स्टेट वर्सेस पीपल, दूसरे के अंदर जो प्राइवेट, उसके अंदर अवाम वर्सेस अवाम, जनता वर्सेस जनता। और क्रिमिनल लॉ के अंदर जो ऑफेंड है, क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा हूं, नुकसान है वो किसका हो रहा है? वो पूरी अवाम का हो रहा है। जबकि सिविल लॉ के अंदर जो नुकसान है वो सिर्फ एग्रीड पार्टी लोगों का हो रहा है, एक दो पार्टी का होता है, इंडिविजुअल का होता है। सर सोसाइटी का नुकसान कैसे हुआ? शाहरुख जदोई की एग्जांपल ले लेते हैं, उसने एक साहब की फैमिली थी, उनकी बेटी को मार दिया, उन्होंने पैसे दे दिए, बाहर चले गए, दैट्स इट। हाउ डिड दिस एक्ट अफेक्टेड द सोसाइटी? जरा खुद सोचें, क्या ऐसे शख्स को हम बाहर छोड़ सकते हैं? इसका, इस शख्स की दहशत, इस शख्स का जो है, फॉर एग्जाम्पल एक मिनट का ब्रेक है बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल मैलफंक्शन है, उसको सही करते हैं, एक मिनट का ब्रेक प्लीज। तो जी वी आर बैक, आवाज आ रही है? आई नीड टू यस। ये पुराने यस, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जी कंटिन्यू, मैं दो पॉइंट्स रिपीट कर देता हूं जल्दी से। क्रिमिनल लॉ इज स्टेट वर्सेस पीपल, और सिविल लॉ में पीपल वर्सेस पीपल। और ऑफेंड जो होता है सिविल लॉ में, उससे एक बंदे जो एग्रीज पार्टी है इंडिविजुअल को ही होगा, जबकि क्रिमिनल लॉ के अंदर पूरी सोसाइटी उस चीज से अफेक्ट हो रही होती है। अच्छा, अब जो डिफरेंस आपके हैंड आउट में लिखा हुआ है, अगर मैं उसको हेडिंग दे दूं कि यहां पर ऑब्जेक्टिव की एक छोटी सी हेडिंग बना दें, ऑब्जेक्टिव की, कि जनाब ये जो क्रिमिनल लॉज हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है या इसका रीजन क्या है? क्रिमिनल लॉज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इंश्योर कर सके क्या, लॉ एंड ऑर्डर। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अमनो आमा की सिचुएशन को देखने के लिए आप क्रिमिनल लॉज बनाते हो ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। जबकि सिविल लॉ के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो इंश्योर करना होता है किसका, राइट्स ऑफ पीपल का, दे आर प्रोटेक्टेड इन प्राइवेट रिलेशंस। ठीक है, अगर मैंने ए और बी, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने उसको ब्रीच किया, तो यहाँ पर जो सिविल लॉज आएंगे वो मुझे प्रोटेक्ट करने आएंगे, वो मेरे राइट को प्रोटेक्ट करने आएंगे। एक प्राइवेट रिलेशनशिप था, ए और बी का प्राइवेट रिलेशनशिप था, उस प्राइवेट रिलेशनशिप के अंदर ए को, ए के राइट्स को कवर करने के लिए, ए के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा होगा। तो तीसरा पॉइंट बन गया जी, जल्दी से रिपीट करेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्रिमिनल लॉ का है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जबकि सिविल लॉ का क्या है? To protect the right of the individual. Second, अगर मैं यहां पे कहूं जी के punishment या order, court की तरफ से क्या order आता है? Court की तरफ से order क्या आता है? एक और difference हम यहां पे देख रहे हैं जी, court की तरफ से order क्या आएगा? तो जनाब civil courts जो हैं, जो criminal courts हैं, वो punishment दे रही होती हैं, penalize कर रही होती हैं culprit को।
irrespective of loss to victor, irrespective of loss to victor. देखिए हमने सोसाइटी को मेंटेन करना है, तो जो क्रिमिनल लॉज हैं वो पनिश करती हैं, सख्त से सख्त सजा देती हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, और इररिस्पेक्टिव ऑफ डैमेज, इररिस्पेक्टिव कि लॉस कितना हो, नुकसान कितना हुआ, उसके उसके मुताबिक नहीं, बल्कि जो आपके लॉज हैं उसमें सामने वाले को डिफेंड करने के लिए, ताकि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना हो, सामने वाले को इबरत का निशान बनाने के लिए सख्त से सख्त सजाएं दी जाती हैं। जैसे शाहरुख जतोई साहब को उसकी फैमिली ने जिसको उसने मारा था उसने बेशक माफ कर दिया, लेकिन स्टिल जो क्रिमिनल कोड है उसको वो कम से कम उम्र कैद की सजा जरूर देगी, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह का काम ना कर सके। जबकि जो सिविल कोर्ट्स हैं वहां पर आपको रेमेडी मिलती है, और वो जो रेमेडी है, जो कॉम्पनसेशन है, वो किसको मिलेगी, विक्टिम को मिलेगी, और अकॉर्डिंग टू हिज लॉस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी के ब्रीच की वजह से ए को 1,00,000 रुपए का नुकसान हुआ, 1,00,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो जो सिविल कोर्ट रेमेडी करेगी वो 1,00,000 रुपए तक ही करेगी, यानी कि ए की वजह से बी की वजह से ए को नुकसान 1,00,000 का हो रहा है, उसको जो रेमेडी वो 2,50,000 रुपए की मिल रही, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सिविल कोर्ट्स हैं वो आपको अकॉर्डिंग टू द लॉस आपको रेमेडी प्रोवाइड कर रही होती है, जबकि वहां पर जो क्रिमिनल है वहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉस, लॉस का वो उसकी बात नहीं है, वो आपने अपने स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सख्त से सख्त सजाएं देनी होती है। नेक्स्ट इज, ये ऊपर डिस्कस हो चुका है, केस इज फाइल्ड बाय स्टेट, ये टर्मिनोलॉजी देख लीजिएगा, केस इज फाइल्ड बाय स्टेट इज नोन एज प्रोसिक्यूशन। केस कौन करता है, स्टेट केस करती है, एफआईआर थाने में जमा होगी, पुलिस केस कर रही होगी, तो कौन कर रहा होगा केस, क्रिमिनल केसेस के अंदर स्टेट, जबकि प्राइवेट केसेस के अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स केस करेंगे, एंड इट इज नोन एज लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है कानूनी चाराजोई करना, एक वर्ड है उर्दू तर्जुमा इसका, ये है ट्रांसलेशन, ये है कानूनी चाराजोई करना। बट इस कानूनी चाराजोई जी, केस पुट अप करना, केस फाइल करना, उसको फॉलो करना एटसेट्रा, ये सब क्या है जी, ये लिटिगेशन कहलाता है। एक और डिफरेंस आ गया कि क्रिमिनल लॉ कौन फाइल करेगा, स्टेट फाइल करेगी, और उसके लिए टर्म क्या यूज होगी, प्रोसिक्यूशन। जबकि जो सिविल लॉ है उसके अंदर जो केस है वो कौन फाइल करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल, और उसकी कार्रवाई को क्या कहा जाता है, लिटिगेशन। अब ये आखिरी के दो जरा अच्छे तरीके से सुनने, क्योंकि एमसीक्यूज इसी में बनने होते हैं। नंबर वन, डिसीजन इज बेस्ड ऑन 100% एविडेंस दैट इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। डिसीजन इज बेस्ड ऑन 51 मतलब मेजोरिटी, मोर देन 50% इज मेजोरिटी ना, डिसीजन जो बेस होता है वो जनाब 51% पे होता है, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है दैट इज 100% एविडेंस, और जो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है दैट इज 51% एविडेंस। मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ बताता हूं। पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है क्रिमिनल केसेस के अंदर, पार्टीज आर नोन एज प्रोसिक्यूटर्स, पहली जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है वो प्रोसिक्यूटर है, और दूसरी पार्टी का नाम क्या है, डिफेंडेंट या एक्यूज्ड। डिफेंडेंट मतलब जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, और एक्यूज्ड एक ही बात है, जिस पर इल्जाम लगेगा वो भी अपने आप को डिफेंड भी कर रहा होगा। जबकि सिविल केसेस के अंदर जो पार्टीज हैं वो एक क्लेमेंट है, एक और नाम क्लेमेंट का प्लेंटिफ है, और डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट मतलब जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है कि मैंने गलत नहीं किया, मैंने ब्रीच नहीं किया, और क्लेमेंट या प्लेंटिफ का मतलब ये है वो शख्स जो एक क्लेम कर रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ जो है यहाँ पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, हमारे एग्रीमेंट को ब्रीच किया, उस शख्स का नाम क्या है, क्लेमेंट है। और कोर्ट में क्रिमिनल केस के अंदर प्रोसिक्यूटर यानी स्टेट जो है वो एक्यूज डिफेंडेंट को कोर्ट लेके जा रही है, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर रही है, जबकि सिविल केस के अंदर जो क्लेमेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने धोखा दिया, तो ए कह रहा है कि आपने मुझे धोखा दिया, बी कह रहा है मैंने कोई धोखा नहीं दिया, ए कौन है, क्लेमेंट है, जबकि बी कौन है यहाँ पर, वो डिफेंडेंट होगा। अब यहाँ पे दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपने याद रखनी है। नंबर वन इज बर्डन ऑफ प्रूफ। पहले टर्म क्या है जनाब, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ, और दूसरा वर्ड यहां पर है जनाब स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। एक वर्ड क्या बताया, बर्डन ऑफ प्रूफ, और दूसरा क्या है जनाब, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। अब पहले इन दोनों का मतलब समझ लो। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये होता है हु विल प्रूव हिमसेल्फ, कौन, एक केस तो कर दिया गया,
अब कौन केस को पूरा करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा शाहरुख जुदोई की एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ कि जनाब अज्यूमिंग कोर्ट ने कहा कि कत्ल हुआ, शाहरुख जुदोई साहब ने शादी पर कत्ल किया, तो उसके बाद स्टेट ने गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूशन की केस फाइल किया शादी उसके शाहरुख के खिलाफ, उसको कोर्ट लेके गए, कौन लेके गए कोर्ट, स्टेट लेके गई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद अब ये स्टेट का काम है, गवर्नमेंट का काम है ये प्रूफ करना, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, स्टेट पर, ये प्रूफ करे कि ये मर्डर शाहरुख साहब ने ही किया है, तो ही कोर्ट जो है वो उसके खिलाफ लेके जाएगा। नंबर टू, कोर्ट को जो स्टेट प्रोसिक्यूशन करेगा, जो उसके खिलाफ बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है, यदि वो बताएगा कि ये लाजमी तौर पर प्रूफ करेगा कि ये शाहरुख ने ही कत्ल किया, तो उसके एविडेंस कितने परसेंट होने चाहिए, आंसर इज 100%, ठीक है 100%। क्रिमिनल केस बड़े सख्त केसेस होते हैं, पनिशमेंट का लेवल बड़ा हाई होता है, तो वहां पर आपने कभी भी जो है ना छोटे मोटे एविडेंस के ऊपर किसी को सलाह नहीं देते। एक बंदे ने कत्ल किया, उसमें से आपने बस आपको लग रहा है कि इसने कत्ल किया होगा, तो क्या उसको इस बात के ऊपर आप सलाह मौत दे दोगे, आंसर इज नो, क्योंकि क्रिमिनल केसेस की पनिशमेंट बड़ी सख्त है, तो इस वजह से उसके अगेंस्ट जो एविडेंस होना चाहिए वो स्टैंडर्ड, पहली बात एविडेंस कितना होना चाहिए, आंसर इज स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात हो रही है, how much standard of proof will be, jab it is 100% beyond reasonable assurance, yahan pe word dekho kya likha hua hai, beyond reasonable doubt, what is beyond reasonable doubt, ki usme ratti barabar bhi zara sa bhi thoda sa bhi doubt na ho, aur wo tabhi hoga jab wo evidence kya hoga 100% hoga, 100% hoga। और अगर सिविल केस की बात करें तो सिविल केस के अंदर ए ने बी के साथ ब्रीच किया, बी ने फ्रॉड किया, ए को ये प्रूफ करना है, ए कौन है, क्लेमेंट है, बी कौन था, डिपेंडेंट था, ए ने प्रूफ करना है कि बी ने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसने इन चीजों को ब्रीच किया है, और अब मेरे पास जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, यानी ए को अपनी बात मनवाने के लिए, ए को बी को सजा दिलवाने के लिए, रेमेडी दिलवाने के लिए, डैमेज करने के लिए हम मुझे कितने परसेंट प्रूफ देना है, आंसर इज 51%। टर्म याद रखें, टर्म क्या लिखी हुई है, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं आखिरी दो पॉइंट जल्दी से अच्छे से बात समझ लीजिएगा, दो बातें क्या, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा क्रिमिनल केसेस के अंदर, पहली बात पार्टीज कौन कौन सी होती है, क्रिमिनल में पार्टीज है जनाब नंबर वन प्रोसिक्यूटर, नंबर टू एक्यूज्ड, सिविल के अंदर पार्टीज कौन सी है, क्लेमेंट और डिफेंडेंट। नंबर सेकेंड क्वेश्चन, बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केसेस में किस पर होता है, प्रोसिक्यूटर पर, बर्डन ऑफ प्रूफ सिविल केसेस में किस पर होता है, क्लेमेंट पर। तीसरा और आखिरी सवाल वो ये है जनाब के कितने परसेंट प्रूफ देना पड़ेगा प्रोसिक्यूटर को, एक्यूज्ड के खिलाफ सजा दिलवाने के लिए कितने परसेंट प्रूफ देना पड़ेगा, आंसर इज, टर्म याद रखनी है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, दैट इज 100%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेमेंट को डिफेंडेंट को से रेमेडी लेने के लिए, वहां पे पनिशमेंट का वर्ड है, यहाँ पे रेमेडी का वर्ड है, क्रिमिनल केसेस में खिलाफ वर्जी करने पर, रॉन्ग डूइंग करने पर पनिशमेंट है, जबकि सिविल केसेस के अंदर खिलाफ वर्जी करने पर पनिशमेंट नहीं बल्कि रेमेडी है, ठीक है ना। तो वहां पर प्रोसिक्यूटर को एक्यूज को पनिश करवाने के लिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एविडेंस देना है, दैट इज 100%। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, प्रोसिक्यूटर पर होगा। अब सिविल में आ जाए, सिविल के अंदर क्लेमेंट को डिफेंडेंट को से रेमेडी लेने के लिए कितना परसेंट प्रूफ देना पड़ेगा, आंसर इज बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज 51%। ठीक है जी, होपफुली आंसर इज क्लियर, इसमें कोई मसला है तो पूछ लें। एग्जाम्पल्स में आप एक दो लिख लेता हूं, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जनाब। इसके अलावा आपके पास पार्टनरशिप की लॉज हैं, इसके अलावा आपके पास इसके अंदर मजीद अगर हम ऐड करें तो फैमिली लॉज आप ले सकते हो। जबकि क्रिमिनल केसेस की एग्जांपल देखें, मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, करप्शन एटसेट्रा, ये सब चीजें जो हैं वो एग्जांपल में आएंगी क्रिमिनल केसेस के।
मैं दो मिनट में क्रिमिनल वाला रिपीट करूं, मेरे साथ साथ पॉइंट्स में साथ रहेगा। नंबर वन क्वेश्चन, नंबर वन क्रिमिनल केस में ऑफेंड किसको होता है? क्रिमिनल केस में सोसाइटी ऑफेंड होती है, जबकि सिविल केसेस के अंदर इंडिविजुअल ऑफेंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिमिनल लॉज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, सिविल लॉ के अंदर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। कोर्ट क्या ऑर्डर देती है? क्रिमिनल केसेस के अंदर कोर्ट सख्त से सख्त पनिशमेंट देती है, जबकि सिविल लॉज के या सिविल कोर्ट्स जो है वो रेमेडीज प्रोवाइड कर रही होती है। केस कौन फाइल करता है? क्रिमिनल केस जो है वो स्टेट फाइल करती है, जिस प्रोसेस का नाम क्या होता है? प्रोसिक्यूशन। जबकि आपके पास जो सिविल केस है उसके अंदर केस कौन फाइल करता है? इंडिविजुअल फाइल करता है, इंडिविजुअल बंदा फाइल कर रहा होता है, और उसका नाम क्या होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? लिटिगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पार्टीज का नाम क्या है? पार्टीज ना, क्रिमिनल के अंदर पार्टीज का नाम होता है प्रोसिक्यूटर, जो कि स्टेट होती है, वर्सेस क्या? डिपेंडेंट या अक्यूज, जिस पर इल्जाम लग रहा होता है कि आपने ये क्रिमिनल एक्ट किया है। जबकि यहाँ पर पार्टीज कौन सी है सिविल केसेस के अंदर? क्लेमेंट है, और उसके साथ कौन है? डिपेंडेंट है, ठीक है। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्रोसिक्यूटर पर, स्टेट पर, जबकि सिविल केसेस के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो क्लेमेंट के ऊपर है। लास्ट सवाल ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केस में कितना होगा? टर्म यूज होती है क्या? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कितने परसेंट? 100% एविडेंस होगा तो ही उसके खिलाफ बात होगी, सजा दी जाएगी। जबकि सिविल केस के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है दैट इज बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हिच इज इक्वल्स टू द 51%, बेसिकली मेजॉरिटी। खाली 51% नहीं, एनीथिंग अबव 50%, ठीक है जी। तो ये हो गया जनाब डिफरेंस आपका सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉज का। एनी क्वेश्चन बेटा? यू हैव 31 मिनट, यू हैव 1 मिनट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस काइंडली आस्क इट। आज के पूरे टॉपिक में कोई मसला है तो पूछ ले, पूरे टॉपिक में, आज के पूरे टॉपिक में, क्योंकि क्लास वाइंड अप हो रही है। आई हैव 1 मिनट लेफ्ट फॉर द रिकॉर्डिंग। तो पूरी क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? लॉ पढ़ा, लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, ELS की डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज ELS। नंबर टू हमने पढ़ा यहाँ पे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉ, जिसके अंदर क्या क्या था, रिपीट। नंबर वन कॉमन लॉ, इक्विटी लॉ। कॉमन लॉ कौन आता है? जजेस, जो कि बादशाह सलामत ने अपने दूर दराज इलाकों में भेजे थे, और वो वहां पर बादशाह की गाइडेंस के मुताबिक लॉस बनाते थे, और जो डैमेज होता था वो सिर्फ क्या आता था, मॉनेटरी वैल्यू होती थी, और उस वर्ड उस रेमेडी का नाम क्या होता था, डैमेज कहते थे उसको, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था ये? 1066 में। सारे जो जजेस से वापस कहां पर आते थे, वेस्टमिंस्टर हाउस में। वहां पर क्या होता था, वहां पे तमाम डिसीजन, कॉमन डिसीजन होता था, बेस्ट डिसीजन होता था, उसको एक बुक में लिखते थे। उस बुक का नाम क्या था? कॉमन लॉ नाम था उस बुक का। और उसके बाद फिर जब ये चीज चल पड़ी तो हमें कुछ खामियां नजर आई, दो खामियां नजर आई। पहली खामी ये थी कि हर चीज का जो रेमेडी है वो पैसा नहीं हो सकता, और दूसरी खामी ये थी कि हर चीज को हम रूल बेस नहीं लेके चल सकते। तो इन दो खामियों की बेस के ऊपर एक नया लॉ आया, जो कि बादशाह सलामत ने क्या किया, जो चांसलर था उसका, चांसलर साहब जो वजीर खास थे, उनको लेकर आए और उनको कहा कि आप इस चीज को देखो। और उसने क्या किया, उसने उन तमाम चीजों को, मैटर को देखना शुरू किया जो जहाँ पे कॉमन लॉ एप्लीकेबल नहीं था, या लोगों को कॉमन लॉ के डिसीजन पे आर्ग्यूमेंट होता था, प्रॉब्लम होती थी, तो फिर वो अपील कहाँ पे करते थे, इक्विटी लॉ के अंदर। और इक्विटी लॉ के अंदर जो चांसलर साहब थे वो आपके पास जो डैमेज देते थे, जो रेमेडी प्रोवाइड करते थे, वो नॉन मॉनेटरी होती थी। नॉन मॉनेटरी मतलब, दो एग्जांपल मैंने कोट की, स्पेशल परफॉर्मेंस जिसमें उस बंदे को काम करना पड़ेगा, दूसरा इंजंक्शन था जिसमें स्टे ऑर्डर था। और इसके अलावा जनाब जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी वो ये थी कि अगर कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ आमने सामने होंगे तो विच शैल प्रिवेल, आंसर वॉज इक्विटी लॉ। जो सेकंड था दैट वाज स्टैट्यूट लॉ, और स्टैट्यूट लॉ के अंदर ये था जनाब कि वो लॉज वो होते हैं दोज आर मेड बाय द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, इंशाल्लाह चैप्टर टू के अंदर हमने इसको डिटेल से पढ़ना है। और दूसरे थर्ड वन था पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ जो है वो गवर्नमेंट और फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है, जबकि प्राइवेट लॉ जो है वो इंडिविजुअल में डील करता है। गवर्नमेंट पब्लिक लॉ में इंटरवीन करती है, जबकि प्राइवेट लॉ के अंदर गवर्नमेंट ने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, आपको डीलिंग जो है वो खुद आपस में इंडिविजुअली करनी है। इसके अलावा लास्ट हमने जो पार्ट पढ़ा दैट वाज क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। आई हैव 30 सेकंड्स लेफ्ट, इफ एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन काइंडली प्लीज आस्क इट। That's it, all clear.
चलिए, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेडनेसडे एट 12 to 1:30. उसकी आईडी आपसे शेयर कर ली जाएगी. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. नेक्स्ट क्लास में काइंडली रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा. अल्लाह हाफिज.